इस पर ध्यान देने रही पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी और पंजाब बार काउंसिल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से तमाम दोस्तों को खुशामदीद। ये आपका घर है और ये जो आपने सारे का सारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है आपकी ट्रेनिंग के लिए ही बनाया है और आपके आते आपके आने से ही हमारी हिम्मत बनी रहती है और हम ये फंक्शंस वगैरह आपके लिए करते रहते हैं। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। अभी तक हम ट्रेनिंग के लिए बेशुमार हमने लेक्चर्स करवाए हैं, आपका एक ऑनलाइन भी पहुँच गया, लेकिन तमाम दोस्तों का जो सबसे बड़ा गिला मेरे साथ आया है वो ये कि आप फौजदारी की वकालत की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, और इसमें शायद कोताही मेरी अपनी भी एक फौजदारी सारी जिंदगी की है, सिर्फ सिविल का और सिर्फ फौजदारी के अलावा सब कुछ किया है और फजल से अच्छे तरीके से किया है, दूसरी चीज़ों पर फोकस रहे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो उस फील्ड के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन और जो बेहतरीन साहिबान हैं, अब इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस और इसके लिए जो हमें बेहतरीन दोस्त मिले उनको हमने आपके सामने बुलवा के बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर टॉपिक्स आप बताते रहेंगे, हम बेहतरीन बंदों को बुलवा कर यहाँ पर लेक्चर दिलवाते रहेंगे। आज जिन बेहतरीन साहब को हम आज आपके सामने लेकर आए हैं उनका ताल्लुक वकालत के साथ और हमारे प्रोफेशन के साथ बहुत गहरा है। टेक्निकली भी MLRs जो सारी की सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो तो होता ही है, मगर डॉक्टर आरिफ रशीद साहब जो हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, आज से 7 साल पहले जब सेक्ट्री हाईकोर्ट बार था तब भी इन्होंने हमें ऑनर किया था फोरेंसिक साइंस के ऊपर, मेडिकल फोरेंसिक्स के ऊपर आकर यहाँ पर लेक्चर दिया था, लोहार हाईकोर्ट के अंदर लेक्चर दिया था, बहुत एक्सलेंट लेक्चर दिया था, वो भी आप तमाम दोस्तों को भी ऑनलाइन अवेलेबल है। और हमारी खुशकिस्मती कि डॉक्टर साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल के डॉक्टर साहब का अगर CV देखा जाए, इनकी क्वालिफिकेशन जो है, इनकी अचीवमेंट्स देखी जाए तो इंतहाई बिजी हैं। पूरे पंजाब के अंदर पहले चेयरमैन फोरेंसिक मेडिसिन के रह चुके हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और आजकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर सिम्स लाहौर के अंदर, और इसके अलावा भी मल्टीपल क्वालिफिकेशन मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं और इनका काम बोलता है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान डॉक्टर आरिफ रशीद मलिक साहब मौजूद हैं। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू। Thank you, Muhammad Ahmed Qayyum sir. I am grateful and obliged. Rather, it's a privilege and honor to address with the legal fraternity at present on the topic of medical legal certification. जो forensic medicine है उसकी definition ये है कि it is branch of medicine that deals with application of principles of medical knowledge for purpose of law for furthering of justice. वो principles of medical knowledge क्या हैं, जैसे अभी क्यूम साहब ने बताया कि DNA के ऊपर ये करना चाहते हैं, तो जो DNA है वो मेडिकल जो एजुकेशन का या सिलेबस का या करिकुलम का वो एक पार्ट है, उसके प्रिंसिपल्स आपको फॉर पर्पस ऑफ लॉ फॉर फर्दरिंग ऑफ जस्टिस कैसे हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन अक्यूज की, इवन विक्टिम की भी, डिस्प्यूटेड पटर्निटी के केसेस हैं, डिस्प्यूटेड मटर्निटी के केसेस हैं, तो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, तो ये वो प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल नॉलेज हैं जो हम अप्लाई करके तो फॉर पर्पस ऑफ लॉ यूज़ होते हैं ताकि जस्टिस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो सब्जेक्ट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ द ब्रिज बिटवीन लॉ एंड मेडिसिन। लॉ एंड मेडिसिन दोनों कुछ मामलात में कन्वर्ज हैं और कुछ मामलात में डाइवर्ज हैं, उसकी तरफ मैं नहीं आता क्योंकि डेविएशन हो जाएगी, लेकिन इट्स अ टीम वर्क। दुनिया में आपको पता है जो मेडिकल लीगल हैं इन्वेस्टिगेशंस या जो इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम है वो दो तरह के हैं, एक इन्विजिटोरियल है और एक एडवर्सेरियल है। तो बाद ममालिक में मेडिकल मैन को वो कोर्ट एविडेंस में नहीं बुलाते,
उनकी वो रिपोर्ट एज सच एक्सेप्टेड होती है, एज सच अगर वो कोई ज़रूरत पड़े तो। हमारे मुल्क में पर्सनल अपेयरेंस उसकी लाजमी है। दुनिया में तीन किस्म के मेडिकल लीगल सिस्टम हैं इस वक्त इन वोक। सबसे पुराना जो सिस्टम है वो कॉर्नर सिस्टम है जो इंग्लैंड में अंग्रेज़ जब आया था सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने बम्बे में कॉर्नर ऑफिस कायम किया था, वो कोई 19th century के मिडल में। दूसरा जो सिस्टम है दुनिया में एस्टेब्लिश वो अमेरिका में है, वो है मेडिकल एग्जामिनर। और तीसरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है, वो है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। हमारा जो मौजूदा सिस्टम है इसकी बेस है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 एंड पाकिस्तान पीनल कोड जिसकी ओरिजिन है 1860 की। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से मंजूर हो के अंग्रेज़ ने यहाँ पर वो लागू किया था। तो ये बेस करता है पुलिस इनक्वेस्ट पे और मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट पे। उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि सेक्शन 174 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ पाकिस्तान, जो कि अननेचुरल डेथ, सुसाइडल, मर्डर, एक्सीडेंटल और डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है। उसमें ये है कि पुलिस वाले को डाउट है काज ऑफ डेथ के बारे में तो वो डेड बॉडी शिफ्ट करेगा मेडिकल मैन के पास। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये हो गया। 176 है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ही जो मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि अगर वो कोई सस्पिशियस डेथ है और वो दफना दी गई है बॉडी तो वो उसका एग्जुमेशन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑन एग्जुमेशन के ऑर्डर कर सकता है। फिर हमें डील करते हैं पुलिस रूल्स 1934। ये भी एक ज़रा थोड़ी सी ट्रेजडी है कि पुलिस रूल्स 1934 के पीछे कोई एक्ट होना चाहिए। अब वो एक्ट पुलिस एक्ट ही है, वो भी 1860 का था, लेकिन पुलिस ऑर्डर 2002 तो हमने इनेक्ट कर दिया, लेकिन पुलिस रूल 1934 वाले ही चल रहे हैं। नए पुलिस रूल बने हुए हैं पुलिस ऑर्डर के नीचे, उसके वॉल्यूम मेरे पास लैपटॉप में भी मौजूद हैं, लेकिन वो अभी इनेक्ट नहीं हुए और कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है उसमें। जैसे जो सेक्शन 25.36 एंड सेक्शन 25.37 पुलिस रूल 1934 का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से डील करता है, तो जो नए पुलिस रूल हैं जो अभी किताब की शक्ल में हैं इनेक्ट नहीं हुए उनमें ये चैप्टर 29 में चले गए। 29 कुछ है जो मेडिकल लीगल केसेस हैं उनको भी पुलिस रूल 1934 ही डील कर रहे हैं। वो एक शायद 25.22 है जो मेडिकल लीगल ओपिनियन और या 25.20 से ऑनवर्ड ये इसको डील करते हैं। उसमें एक पुलिस रूल 25.39 है जिसमें उसके साथ एक परफॉर्मा दिया हुआ है, 25.39 ही उस परफॉर्मे का नंबर है जो असल में वो नक्शाए मजरूबी है, इंजरी स्टेटमेंट जो पुलिस वाले ने फिल करके वो लेके आना होता है मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक लीगल थी बैकग्राउंड। लेटेस्ट ये है कि आजकल हाई कोर्ट्स ने ये एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो इसको किसी एक्ट के नीचे लाना चाहते हैं, तो उसमें मैं भी रिस्पोंडेंट था, सेक्रेटरी ला साहब की सरबराई में कमेटी भी बनी, तो मेडिकल लीगल एक्ट का एक इनिशियल ड्राफ्ट बना के हमने फरूख हैदर साहब की अदालत में वो सबमिट कराया हुआ है, उस पर मज़ीद जो है ना वो मेहनत हो रही। अगर हम चलें अब उस पर, पहले आप ना ये वो पॉइंटर है कोई जो रेड पॉइंटर होता है ना, एक कहाँ गया वो अरसलान, चलें ठीक है।
ये वो परफॉर्मा है जो मैनुअल मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के लिए इशू किया जाता है, इस पे मेडिकल लीगल रिपोर्ट करके, और ये इन ट्रिप्लीकेट तैयार होती है मैनुअल। इसमें डेवलपमेंट ये है, जब हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया 2016 में, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर हेल्थ डिपार्टमेंट और एक स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो प्राइमरी सेकेंडरी वालों के पास के नीचे एक अदारा है हिस्डू, ह्यूमन इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी यूनिट, उसने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया ऑनलाइन मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग के लिए। तो वो ऑनलाइन एक परफॉर्मा भी अवेलेबल है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। वो मेरे पास अगर तस्वीर हुई तो मैं आपको दिखा दूँगा। फिर 2009 में सबसे पहले ख्वाजा शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे कि नहीं ये मुझे याद नहीं है, उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है ये कंप्यूटराइज टाइप इशू हो। उस वक्त फिर 2020 तक ये मामला डारमेंट रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट ने उस वक्त कोई 6 माह की मोहलत मांगी थी। 2020 में ये दोबारा हाई कोर्ट ने केस टेकअप किया, कोई फैसलाबाद का मेडिकल लीगल था तो वो पढ़ा नहीं जा रहा था लिखाई, क्योंकि डॉक्टर इस मामले में मशहूर है कि उनकी लिखाई नहीं पढ़ी जाती, तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बुला लिया कि ये पढ़ के बताएं क्या लिखा है, हमने तो 2009 के ऑर्डर किए हुए हैं तो 10 साल तक ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो इस वक्त कोई जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके नीचे हैं बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल। उनके 25 डिस्ट्रिक्ट में, 75 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में और तकरीबन 5 रूरल हेल्थ सेंटर में, 106 सेंटर में ऑनलाइन मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग हो रही है। बात समझ गए, वो हर डॉक्टर को पासवर्ड यूज़र नेम मिलता है, वो पोस्टमार्टम मेडिकल लीगल करके वो पासवर्ड यूज़र नेम से लॉगिन होता है, वो परफॉर्मा ऑनलाइन आता है, उसको ऑनलाइन करता है, जब तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं वो सबमिट करता वो एडिटेबल है। एक दफ़ा उसने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी तो फिर वो एडिटेबल नहीं रहता, उसका रिकॉर्ड पीछे हिस्टू के पास सेफ रहता है। बाकियों पे ये मैनुअल है, क्योंकि वहाँ अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे यहाँ कुछ लोड शेडिंग के मामलात हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्स के मामलात हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं। स्पेशलाइज हेल्थ केयर के पास कोई 43 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें से 25 में मेडिकल लीगल काम होता है, बाकी कुछ कार्डियक सेंटर हैं, कुछ बच्चों के अस्पताल हैं, कुछ दिमाग के अस्पताल हैं, वहाँ पर मेडिकल लीगल वर्क नहीं होता। उनमें सब में या तो ऑनलाइन मेडिकल लीगल सिस्टम है या कंप्यूटर पे टाइप करके, हाथ से लिखी हुई नहीं, वो टाइप रिपोर्ट इशू होती है। उस टाइप रिपोर्ट का फॉर्मेट यही होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप अगर इस फॉर्मेट पे जाएं, या पॉइंटर होना ज़रूरी था, तो इसमें ये मूव कर जाएगा ना, तार है इतनी लंबी, कोई हेल्प करेगा ज़रा उनसे, वो मुझे पॉइंट। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट ये लोगो है, ये शुरू के जो कॉलम है ना, नेम, कास्ट, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, एज, इसको मैं ऐसे करता हूँ, जहाँ मैं एरो रखूँगा वो आप उधर आपको पता चल जाएगा, नेम, कास्ट, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, ये सेक्स, मैं इसको वैसे जेंडर लिखने के हक में हूँ बजाय सेक्स का लफ्ज़ लिखने के, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, CNIC नंबर, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये
तमाम उस इंजर्ड पर्सन के या विक्टिम की आइडेंटिटी से रिलेटेड है कि किस बंदे का मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है जी। अब इसमें जो सिनेरियो बनता है, जो आपके समझने की चीज़ है, कि अमूमी तौर पर मेडिकल लीगल केस में हमें आइडेंटिटी का कोई इशू नहीं होता, वो डेड बॉडी में होता है, क्योंकि वो बंदा खुद होता है, अपना नाम बताता है, एड्रेस बताता है, उसके पास शनाख्ती कार्ड होता है। बाद अवकात 112 वाले किसी अनकॉन्शियस बंदे को लेके आते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का या वैसे, या कोई बम ब्लास्ट के केसेस हैं जिसमें उनकी आइडेंटिटी का नहीं पता होता, तो उस सूरत में ये CNIC नंबर अगर मिल जाए तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और उसके कपड़ों की डिटेल, कपड़ों की डिटेल में जब आइडेंटिटी कंफर्म या एस्टेब्लिश ना हो रही हो तो उसमें दो चीज़ें बहुत हमें इम्पॉर्टेंट हैं, कपड़ों के साइज़, कलर, उनकी टाइप के अलावा एक वॉशरमैन साइन और एक टेलर साइन। जो वॉशरमैन साइन है, धोबी के पास अगर कपड़े जाते हैं तो उसका एक निशान होता है, और एक टेलर साइन है, ये दो चीज़ें हमें उसकी आइडेंटिटी में हेल्प आउट कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये हमने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बतानी होती। ठीक है, तो सिनेरियो इस वक्त प्रेजेंट ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी हर हॉस्पिटल के बाहर एक खिदमत मरकज एस्टेब्लिश कर दिया हुआ है। इंजर्ड बंदे को पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इस खिदमत मरकज में ही आके दरख्वास्त, वो अपनी जो एमरजेंसी में, क्योंकि जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन होता है वो हर हस्पताल की एमरजेंसी में होता है, वहाँ वो आके अपनी एक स्लिप बनाता है जो आजकल कंप्यूटराइज है, वो स्लिप लेके वो अगर मेडिकल लीगल केस है खिदमत मरकज में तो खिदमत मरकज वाले वहीं कंप्यूटराइज टाइप उसका एक डॉकेट इशू कर देते हैं जिसमें वो इंजरीज लिखी होती हैं, और वो डॉकेट लेके डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं मेडिकल लीगल मुआयना करने के लिए। अब डॉक्टर साहब ने मेडिकल लीगल मुआयना करने के लिए, जो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, वो उन्होंने तीन चीज़ें, इसको कहते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, वो तीन चीज़ें, सबसे पहली चीज़ उसमें है ज्यूरिसडिक्शन, द फर्स्ट थिंग। ज्यूरिसडिक्शन आई मीन टू से के ईच एंड एवरी हेल्थ फैसिलिटी इन लाहौर हैज बिन अलॉटेड 6, 8, 10 पुलिस स्टेशंस। उन पुलिस स्टेशंस की हदूद में जो मेडिकल लीगल केस होगा उनका मेडिकल लीगल मुआयना उसी हेल्थ फैसिलिटी में होगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ केस ऑफ स्कफल और ब्रॉल और वायलेंस इन द एरिया ऑफ ग्वालमंडी पुलिस स्टेशन, दैट केस विल बी ब्रॉट फॉर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन इन न्यू हॉस्पिटल ओनली, दैट कैन नॉट बी टेकन टू द सर्विसेज हॉस्पिटल और जिनाह हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल, अनलेस अंटिल द पर्सन इज सीरियसली इंजर्ड एंड इट इज मैंडेटरी टू सेव हिज लाइफ, it is brought in the new hospital emergency. Now there is Medical Aid Treatment Act 2004. According to that, the priority to save the life is important as compared to the legal formalities like medical legal examination. Then the same health facility will issue the medical legal certificate of that person irrespective of the jurisdiction. ये बात समझ आ गई, इसमें कोई ambiguity तो नहीं। थर्ड सेकेंड चीज है jurisdiction से पहले authority, authorize कौन करता है
उन डॉक्टर साहब को मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करने का, दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें हमारे पास ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में एक क़िसास एंड दियत ऑर्डिनेंस अनेक्ट हुआ था 1990 में, डेट वॉज रिपील्ड एंड देन जो प्रीवियस इंजरी या हर्ट की जो लॉ था जिसमें इंजरीज आर डिवाइडेड इनटू सिंपल ग्रीवियस डेंजरस टू लाइफ, दैट वॉज रिपील्ड एंड क़िसास एंड दियत ऑर्डिनेंस इनेक्ट हुआ। उसको फिर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया वो, और वो अब पाकिस्तान पिनल कोड का हिस्सा है। उसका सेक्शन है 299C जो कि ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर उसकी हेडिंग है, एंड ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर की उसने आगे डेफिनेशन दी है कि ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर और बोर्ड हु एवर इज डेजिग्नेटेड बाई द हेल्थ डिपार्टमेंट के वो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करें। तो हर डॉक्टर मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, जिसकी ड्यूटी लगी होगी मेडिकल लीगल क्लिनिक में वो ऑथोराइज है मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करने का। सेकेंडली, अब जितने फ्रेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जो मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हैं, उनके डॉक्टर ये काम करते हैं ज़्यादातर, जो स्पेशलाइज हेल्थ के अंडर है, ठीक है, तो वो ऑथोराइज मेडिकल अफसर है। थर्ड चीज़ है कंसेंट, दो मैंने आपको बताई, ज्यूरिस्डिक्शन अथॉरिटी कंसेंट, कि वो कंसेंट नहीं देता आपको कि जी मैं अपना मेडिकल लीगल मुआयना नहीं करवाना चाहता। इवन जो वुमन प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत जो फीमेल सर्वाइवर है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, उन्होंने पहले जाके कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाके बयान देना होता है, उनके बयान पे कोर्ट ऑर्डर करती है कि इनका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन किया जाए और मुतलका पुलिस को हदायत देती हैं। अगर वहाँ आके वो फीमेल सर्वाइवर डिनाई कर दे, कंसेंट ना दे, तो वो वुमेन मेडिकल ऑफिसर उसका मुआयना नहीं कर सकते अगेंस्ट द कंसेंट, इवन दो कि ये कोर्ट के ऑर्डर है। लेकिन इसके रिवर्स एक चीज़ है, वो है अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन का केस, कि ग्वालमंडी पुलिस, क्योंकि मैंने 28 इयर्स के ही में सर्व किया है, इसलिए मेरे वो ग्वालमंडी मुझे ज़्यादा कि वहाँ पर फूड मार्केट भी है, पुलिस वाले ले आते हैं कि जी ये दो बंदे हैं इनको हमने पकड़ा है, ये फूड मार्केट में रात के 2 बजे शराब पी कर गुल को पाड़ा कर रहे थे, तो इनका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करके तो इनको दिया जाए। यहाँ पर अगर वो कंसेंट नहीं देता तो इसमें जो मैंने पढ़ा है, जो आपका हदूद ऑर्डिनेंस है उसमें एक सेक्शन है ड्रिंकिंग का, अगर वो डिनाई करता है तो उसको 6 माह सजा होती है। यहाँ उसका जो कंसेंट का राइट है वो स्टेट के हक में सल्ब हो जाता है। यहाँ वो कंसेंट दे या ना दे उस अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन वाले का, उसका मेडिकल लीगल मुआयना होगा, ठीक है। इसी तरह कुछ केसेस ऐसे हैं, ये वो बातें हैं जो आपको प्रैक्टिस में मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी हैं, जो स्टेट केसेस डिक्लेयर हैं, जिनमें से एक तो मैंने मिसाल दी रेप की, ये रेप वाला भी, ये पहले रेप था, फिर हदूद ऑर्डिनेंस पे जना बिल जबर हुआ, फिर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में दोबारा रेप की टर्मिनोलॉजी आ गई, और एक सॉडमी वाले केस हैं, ठीक है जी, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन वाले केसेस हैं, ये लोग खुद से आके मुआयना नहीं करा सकते। वैसे तो वहाँ ये जीपीओ चौक में दो ग्रुप्स के दरमियान डांग सोटा चल गया, हाकियाँ चल गई हैं, वो क्या हूरों और मुक्कों से मारा है, जो पुलिस वाले लेके आते हैं, वो तो बंदे खुद भी आ सकते हैं और पुलिस के साथ भी आ सकते हैं अपना मेडिकल लीगल मुआयना करने के लिए।
लेकिन ये वो केसेस हैं जिनमें कोर्ट ऑर्डर या पुलिस डॉक्टर के बगैर इनका एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। ये चंद बातें समझनी ज़रूरी हैं आप समझ कि जो अथॉरिटी की बात की, जुरिसडिक्शन की बात की, कंसेंट की बात की, इंजरी स्टेटमेंट की बात की, जो मैंने कहा कि वो आजकल खिदमत मरकज वाले वो जो हैं वो इशू कर देते हैं, उसके बाद अब वो आ गया केस। अब फर्ज करें कि वो सिंपल फिजिकल असाल्ट का केस है, तो जो मैंने आपको शुरू के कॉलम बताए हैं ये आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं। ये वाले जो कॉलम हैं जिसमें कि वो कौन सी हेल्थ फैसिलिटी है जहां वो मुआयना हो रहा है, ये उसका नाम होगा। ये जो बुक नंबर सीरियल नंबर यानी मेडिकल लीगल रजिस्टर जो एनुअली छपवाए जाते हैं, वो हर एक का बुक नंबर सीरियल नंबर लिखा जाता है, ये मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट का नंबर है। और ये जब उससे पहले वो एमरजेंसी में आके रजिस्टर्ड होता है, ये उसका नंबर है। उसके बाद ये दो कॉलम हैं। अब मुआयना करने से पहले आप ये देखें, इस मुआयने के तीन स्टेप्स हैं और ये हर चीज़ की तशखीस करने के लिए उसके तीन स्टेप हैं। मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। मसलन कोई बंदा बीमार है, वो डॉक्टर साहब के पास जाता है तो वो कहता है जी मुझे 4-5 दिन से खांसी है, उसमें पीले रंग की बलगम भी निकल रही है, शाम को बुखार भी होता है। डॉक्टर साहब कुछ टूटियाँ लगा के उसका मुआयना करते हैं, ये एग्जामिनेशन है, फिर उसे कहते हैं जाके अपना छाती का एक्सरे करा के लाओ, ये इन्वेस्टिगेशन है। तो इन तीनों के साथ तशखीस होगी ना। मेडिकल लीगल केस में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है कि हिस्ट्री पुलिस देगी कि इनको हमने वहाँ शराब पी कर गुलगपाड़ा करते हुए देखा, या इन्होंने आके ये रिपोर्ट किया कि जी वो हमारी पानी लगाने की बारी थी खेतों की, तो हमारे मुखालफों ने वो पानी हमारा बंद कर लिया, बहस हुई तो उन्होंने हमें मारा। तो ये इनके ऊपर ज़रबात हैं, तो इनका मेडिकल लीगल करके सर्टिफिकेट दिया जाए, ये हिस्ट्री है ना। अब इस हिस्ट्री को डॉक्टर साहब ने यहाँ टू द पॉइंट ब्रीफली लिखना है। या सेक्सुअल असॉल्ट का अगर केस है तो उसमें भी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, उसने ये बताना है कि किस डेट को, किस वक़्त, कितने लोग थे, किस जगह पे ये असॉल्ट हुआ है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वाई, बिकॉज नाउ पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हैज़ नरेटेड इन इट्स गाइडलाइन के 96 आवर्स आफ्टर इंसिडेंस आप हमें वजाइनल स्वैब ना भेजें फॉर डिटेक्शन ऑफ सीमन और फॉर DNA या उसके लिए, ये उनका है। इसी तरह रेक्टम के लिए ओरल इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के हिसाब से ये उनका एक टाइम फ्रेम है जो उन्होंने दिया हुआ है। सेकेंडली, क्योंकि बात से बात निकलती है, वो सीक्वेंस बन जाता है, इसमें भी एक पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है जो कि इंडिया और बांग्लादेश में पहले हो चुकी थी। सबसे पहले ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो एक उर्फ़े आम में जो मेडिकल लिटरेचर में नहीं है, मेडिकल की किताबों में नहीं है, टू फिंगर टेस्ट जो फीमेल सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में ये नहीं करना। अब टू फिंगर टेस्ट नाम की कोई टर्मिनोलॉजी मेडिकल की किताबों में नहीं है, ये एक सेल्फ क्रिएटेड इंटरप्रेटेड, क्योंकि जितनी मैंने कोशिश की है इस देखने को, मुझे पंजाब मेडिकल मैनुअल मिला 1933 का,
1935 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, जिसको 1947 में हमने इनहेरिट कर लिया, उसी की बेस पे हमारा मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन चल रहा था। जूँ जूँ वक़्त ने तरक्की की, एनजीओज आई, दिमाग ज़रा रोशन होते गए, इल्म फैलता गया, तो सबसे पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट में गया, जी ये टेस्ट अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द फीमेल है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर ये बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने भी ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान ने भी मैडम शाइस्ता परवेज साहिबा ने रिट की, और एक कोई मोहतरमा सदफ़ साहिबा थी कराची से, उन्होंने रिट की, पहले जस्टिस आयशा मलिक साहब की अदालत में, उन्होंने भी ख़त्म कर दिया। फिर ये इसमें मंसूर, ये 2020 की बात है, 2021 में फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी एक फैसला है, जिसमें इस टेस्ट को ख़त्म करने की बात है। पाकिस्तान की पोजीशन इसमें थोड़ी सी बाकी दुनिया से यूनिक है। ये मैं बीइंग प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन बात कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर नई गाइडलाइन बना के, नया परफॉर्मा बना के, वो इस वक्त प्रोसिक्यूटर लॉ डिपार्टमेंट के पास वेट होने के लिए मौजूद है। हुक्म की इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट तमील होगी। मैं कहना ये चाहता था, जो मैंने कोर्ट में भी कहने की कोशिश की जब मैं वहाँ वो गया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो इंडिया वालों ने अपनी गाइडलाइन दी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है, इसका नाम उन्होंने डिजिटल एग्जामिनेशन रखा। डिजिट इसे भी कहते हैं और डिजिट 1, 2, 3 को भी कहते हैं। उन्होंने कहा जी जहाँ डिजीज़ या ट्रामा को डायग्नोज करना हो, वहाँ ये कर सकते हैं। मेरा भी ये जेन था कि इसको डिस्क्रिशन ऑफ वुमेन मेडिकल अफसर को दे दिया जाए। पाकिस्तान दुनिया का वाहद मुल्क है, सिर्फ और सिर्फ, जिसमें फीमेल विक्टम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट का मेडिकल लीगल मुआयना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लेडी डॉक्टर कर सकते हैं। बाकी दुनिया में मेल भी करते हैं, दो इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल करते हैं, किसी फीमेल नर्स स्टाफ की मौजूदगी में, इवन इंडिया में भी, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ फीमेल कर सकती। मुझे उस उन्हीं दिनों में ये इंसिडेंस कोर्ट हुआ था सियालकोट मोटरवे वाला, तो सियालकोट मोटरवे वाले केस को अगर आप एक बनाएं प्रोटोटाइप, तो शी इज़ अ मैरिड लेडी Having two kids, gun point के ऊपर sexual assault हुआ, उसके ऊपर injuries तो आएंगी नहीं। Gun point पे injuries तो तब आएंगी ना जब बंदा physically resist करे आगे से, जब बच्चों के कनपट्टी पे बंदूक रख के sexual assault किया है और खातून married है और दो उसके बच्चे हैं, तो वहाँ injuries कहाँ आएंगी। तो हमारी सोसाइटी का डायनामिक्स भी दुनिया से अलग है। हमारी सोसाइटी में जो मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हमारे पास केसेस आते हैं कि जी 6 माह पहले गांव के किसी बड़ों ने या बदमाशों ने अगवा कर लिया, फिर पंचायत बैठी, फिर रिकवर हुआ, फिर सुलह की कोशिशें हुई, 1 साल के बाद जब ये तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो फिर वो चले जाते हैं पुलिस के पास के जी वो ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो मेडिकल लीगल करें। अब वो खातून कहती है मैं तो 5 बच्चों की माँ हूँ, वहाँ पर हमें सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड इंजरीज कैसे मिलेंगी। तो इस कंटेक्स्ट में पुरानी किताबों में, जो कि मेडिकल किताबें नहीं थी, वो भी जिक्र इंडियन बुक में था, इंग्लिश लिटरेचर में नहीं था, जो ये 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था वो इसलिए किया जाता था कि जो उसकी हिस्ट्री है कि ये मैरिड है और इसके इतने बच्चे हैं, तो ये उसके साथ कोलैबोरेट कर ले कि इस वजह से शायद इसके ऊपर लोकल कोई इंजरीज नहीं आए। लेकिन बहरहाल मंसूर अली शाह साहब के फैसले में बड़ा वाजिया तौर पे लिखा हुआ है कि जी रेप का जो विक्टिम है, आपने उसकी इंजरीज का मुआयना करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू डैट हिस्ट्री,
जो उसने अलेज किया है, इट्स नॉट ए मेडिकल डायग्नोसिस, तो वो उसके मुताबिक वो हमने कर लिया। लेकिन ये पोजीशन आपके सामने मैंने रखी है बैलेंस दुनिया के हिसाब से कि हमारा वाहद मुल्क है, शायद इंडिया और बांग्लादेश में भी अगर फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती तो मेल कर सकता है इन द, हमारे मुल्क में सिर्फ ये फीमेल करेगी, फीमेल लेडी डॉक्टर। और इसमें ये अब टेस्ट मतरूक हो चुका है और जो स्पेसिमन कलेक्शन है उसका टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड पे वो होगा। ठीक, तो हिस्ट्री की आपको इम्पोर्टेंस समझ आ गई। अब मैं आपको इसकी एक और तरीके से इम्पोर्टेंस बताता हूँ। मेरे पास केस आता है मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम 6 घंटे 6 महीने के बाद, वो क्योंकि जो इस वक्त आपका इन वोग मेडिकल लीगल मुआयना करने का स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद है एक 3-tier स्ट्रक्चर जो 2002 में उसकी वर्डिंग ये है, परसुएंट टू द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द प्रोसीजर ऑफ मेडिकल लीगल वर्क हैज बिन प्रपोज्ड इनेक्टेड। उस 3-tier स्ट्रक्चर में TIER में पहला मुआयना मेडिकल अफसर ने करना, फीमेल होगी तो वुमेन मेडिकल अफसर, मेल होगा तो मेडिकल अफसर, वो मैंने आपको बता दिया 299C ऑथराइज मेडिकल अफसर। उस मुआयने उस रिपोर्ट पे या उस सर्टिफिकेट में, क्योंकि हमेशा दो पार्टियां होती हैं, कोई अग्रीब पार्टी कोर्ट में चली जाती है कि हम इस पर मुतमईन नहीं है, इसको चैलेंज करें, कोर्ट समझे तो वो उसका दोबारा मुआयना करने का ऑर्डर करती है जो कि डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड करता है, DSMB। ये जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड है ये हर डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाइड है, इसका चेयरमैन होता है उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का MS, एक इसका मेंबर सर्जन होता है और एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव मेडिसिन इसका मेंबर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल ऑफिसर है जो इसका टेक्निकल मेंबर होता है, और इस बोर्ड को अख्तियार है कि डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री ऑफ द केस वो किसी भी स्पेशलिस्ट को कोऑप्ट कर सकता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, डेंटल सर्जन हो, ENT स्पेशलिस्ट हो, आँखों का डॉक्टर हो, सर्जन हो, हड्डियों का डॉक्टर हो, न्यूरो सर्जन हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, केस की हिस्ट्री को वो उसको कोऑप्ट कर सकता है। अब ये रिपोर्ट अपनी इशू करेगा, इसकी रिपोर्ट अगर दोबारा चैलेंज होती है, दोबारा कोर्ट कहती है नहीं, 3rd tier है प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड, प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन बाय वर्चू ऑफ सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब का चेयरमैन मैं हूँ, उसके 5 sub-offices हैं, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, ठीक है जी, और उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वो अलॉट कर दिए गए, जैसे लाहौर में उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा और लाहौर, ये मेरे साथ अटैच, तो चेयरमैन मैं होऊंगा। अगर मैं मुल्तान जाऊंगा तो निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा फ्रेंसिक मेडिसिन वो मेंबर होगा, और MS निस्तर हॉस्पिटल का वो मेंबर होगा, इसके अलावा मैं किसी को भी कोऑप्ट कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो इसमें तक मिनिमम 6 महीने लग जाते हैं। मेरे पास जब वो केस आएगा तो वो जाहिर है मुझे तो हील्ड मिलेगा ना, कोई स्कार मिलेगा या वूंड मिलेगा, तो ये स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो मुआयना जो है ना वो होता है। इसमें पहले एक थी कदगन के 21 डेज के अंदर री एग्जामिनेशन अगर एप्लीकेशन आ गई तो मजिस्ट्रेट साहब उसके ऑर्डर करेंगे कि री एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन फिर इसको लोग ही फिर अदालत में चले जाते हैं कि जी वो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के शायद ख़िलाफ़ है,
तो वो 21 डेज वाली कदगन खत्म हो गई। जब अदालत ऑर्डर कर देती है कि डिस्ट्रिक्ट सेंडिंग लेवल पे सेकंड टीयर पे ये मुआयना हो, तो फिर जो है उसकी हेल्थ डिपार्टमेंट से एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अदालत फैसला करती है कि डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड मुआयना करे थर्ड टीयर पे, तो फिर हम एक फॉर्मल परमिशन सेक्रेटरी हेल्थ साहब से ले लेते हैं। इस पे भी कासिम खान साहब का फैसला है कि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से इसका कोई सर्कुलर इशू नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब मुआयने में फिर दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप है इंजर्ड बंदे का मुआयना, उसके जिस्म का, ये जिस्मानी मुआयना है, ये तिब्बी मुआयना नहीं है, ये बीमारी की तशखीस के लिए नहीं है, ये ज़ख्मों के लिए है। ठीक है जी, उसमें और एक उसके कपड़ों का मुआयना। ठीक है जी, कपड़ों में मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सारी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। मसलन फायर आर्म इंजरी है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, उसके ऊपर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को चाहिए होता है, वो काइंड ऑफ वेपन के अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फायर आर्म वाउंड। ठीक है जी, तो जो डिस्टेंस को उर्फ आम में जितना आप लोगों के भी इलम में होगा वो है ब्लैकनिंग टैटूइंग। एक्चुअली साइकिल ये है कि ट्रिगर दबाया, जब ट्रिगर दबाया जिसको घोड़ा कहते हैं, तो फायरिंग पिन ने बुलेट या कारतूस की बेस पे स्ट्राइक किया, वहाँ पर एक केमिकल होता है उसको कहते हैं गन शॉट रेजिड्यू, GSR, प्राइमर, उसको प्राइमर कहते हैं। उस प्राइमर में लेड, एंटीमनी और बेरियम होता है, होते तो बहुत से कंपोनेंट्स हैं, ये तीन हैं, लेड, एंटीमनी, बेरियम। जिन्होंने तो FSC की है उनके लिए तो इसको समझना आसान होगा, लेड, एंटीमनी, बेरियम। वो जब फायरिंग पिन उससे स्ट्राइक करती है तो वहाँ से फ्लेम निकलता है, वो फ्लेम, ये प्राइमर है, गन पाउडर अलग है, आगे वो गन पाउडर को वो जला देती है। जब वो जलाते हैं तो गैसेस पैदा होती हैं, उस गैसेस से वहाँ कई टन प्रेशर पैदा होता है बैरल के अंदर, जो कि उस बुलेट को आगे की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो जब वो बुलेट निकलती है या पैलेट निकलता है, तो सिर्फ वो ही नहीं निकलता, उसके साथ फ्लेम निकलता है, उसके साथ गन पाउडर मुकम्मल जला हुआ, आत जला हुआ वो निकलता है, उसके साथ वैड निकलता है 12 बोर की बंदूक में जो होता है। ठीक है जी, वो निकलते हैं कुछ और। इन सब का एक डिस्टेंस के हवाले से इंसानी जिस्म पे या टारगेट पे असर होता है। मसलन फ्लेम ने क्या करना होता है, जलाना होता है ना, तो वो कहते हैं साइंटिफिक तरीका इसका और है, उर्फे आम मतलब के ये कि पिस्टल में 6 इंच तक और 12 बोर की बंदूक में 1 फुट तक ये शोला अपना असर दिखा सकता है। तो अगर फ्लेम का अफेक्ट नहीं है, बर्निंग वहाँ नहीं है, ना कपड़ों की, ना इंसानी जिस्म की, ना बालों की, तो समझ लें कि फासला 6 इंच से ज़्यादा है अगर वो पिस्टल टाइप है, और अगर 12 बोर है तो 1 फुट से ज़्यादा है। अब गन पाउडर जब मुकम्मल तौर पर जल जाए, तो आपने बड़ा कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा जब ये हंगामे होते हैं तो टायरों को आग लगाते हैं तो वो धुआं निकलता है, स्मोक, उसमें से गुजरें, खासकर अगर वाइट कपड़े पहने हुए हैं तो वहाँ वो कालक सी आ जाती है, ये ब्लैकनिंग है। इसको स्मोक भी कहते हैं। ठीक है, जो अनबर्नड गन पाउडर होगा या सेमी बर्नड होगा, वो पार्टिकल की शक्ल में इंसानी जिस्म में, स्किन में जाके खुब जाएगा। ये ब्लैकनिंग को आप कॉटन गीली करके इंसान के जिस्म पे फेरेंगे तो साफ़ हो जाएगी, सफ़ेद कॉटन पे नज़र आ जाएगी।
वो जो अनबर्न्ट या सेमी बर्न्ट पार्टिकल है जो अंदर थोड़ा खुप जाता है उसको टैटूइंग कहते हैं। टैटूइंग कह लें या स्टिपलिंग कह लें या पिपरिंग कह लें, टैटूइंग ज़्यादा यूज होता है। अब जो स्मोक है, यहाँ भी फिजिक्स आ जाती है कि स्मोक की डेंसिटी कम है वो कम फासला ट्रेवल करेगा। जो अनबर्न्ड गन पार्टिकल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा फासला तय करेगा। तो अगर तो आपको ब्लैकनिंग मिल जाए जिस्म पे या कपड़ों पे, जिसके नीचे कपड़ों पे होल है और उसके नीचे जिस्म पे होल है, तो इसका मतलब है वहाँ टैटूइंग लाजमी होगी। लेकिन अगर सिर्फ टैटूइंग मिले ब्लैकनिंग ना मिले तो फासला कुछ ज़्यादा है। अब ये वो कहते हैं कि 1 से 3 फीट ब्लैकनिंग के लिए, जब ब्लैकनिंग होगी टैटूइंग लाजमी होगी। अगर ब्लैकनिंग नहीं है खाली टैटूइंग है तो 1 to 2 yards। ये वो फिगर्स हैं जो आर्बिट्रेरी हैं, किताबों में दी हुई हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीका क्या है? साइंटिफिक तरीका ये है कि वही एमोनेशन एंड वही वेपन लेके टेस्ट फायर किया जाए और देखा जाए कि कितनी दूर तक ब्लैकनिंग टैटूइंग जाती है। सामने कोई मोम का प्लास्टिक का कोई रख के, शर्त यह है कि वही एमोनेशन हो और वही वेपन हो। अब इसके लिए हमारा इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम बड़ा सोफिस्टिकेटेड चाहिए, पुलिस बड़ी एफिशिएंट चाहिए, बड़ी ट्रेंड चाहिए, ठीक है, कि वो वही एमोनेशन और वही वेपन वहाँ प्रेजेंट करे PFSA में। इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा, आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं? अगर टैटूइंग भी नहीं है तो फिर ये डिस्टेंट फायर है। अगर ब्लैकनिंग टैटूइंग है तो फिर ये इंटरमीडिएट है। अगर फ्लेम का अफेक्ट है तो ये क्लोज रेंज है। और एक होता है बिल्कुल कॉन्टैक्ट फायर, कि जो बैरल है उसका मजल एंड बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट है और फर्मली इन कॉन्टैक्ट है, उस सूरत में सारी ब्लैकनिंग टैटूइंग अंदर जख्म के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी, ये कॉन्टैक्ट फायर है, ठीक है ना? तो ये आपको जख्म का मुआयना करना आना चाहिए ना। मुआयना कौन करेगा? जिसने इसको पढ़ा होगा और प्रैक्टिस किया होगा। तो हमें जो हमारे टीचर बताया करते थे कि आईज कैन नॉट सी व्हेन माइंड डज नॉट नो, जब इल्म आपके दिमाग में नहीं होगा तो आपकी आंखें काम नहीं करेंगी। हम जब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, जिनको हमारे कोलीग्स ये कहते हैं, जब हमको उनको डेड बॉडी पे बुलाते हैं ना, तो कहते हैं तो सारा एको जो है ये खून ही खून नज़र आ रहा है, ये वो नहीं नज़र आ रहा। फिर हम उन्हें बताते हैं ये ब्लैकनिंग है, ये टैटूइंग है, ये शार्प एज है, ये ब्लंट है, ये कुंदाला है, ये तेज़दार है। फिर कहते हैं हाँ असी 3rd year MBBS से पढ़े तो है सी, ठीक है ना? तो उससे पहले ये तो है ना इंजरीज का मुआयना। इंजरी के मुआयने का प्रिंसिपल ये है कि हर इंजरी का शेप लिखे, साइज लिखे, उसकी एग्जैक्ट एनाटॉमिकल प्लेस लिखे कहाँ है और उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे। लेकिन उससे पहले एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 तो कॉमन चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट। ये खासकर पॉइजनिंग वाले केसेस में बड़ा इम्पॉर्टेंट है और अल्कोहल वाले केसेस में। और उसकी आंखों में लाइट मार के देखना कि वो पुतलियाँ सुकड़ती हैं कि नहीं, अल्कोहल वाले केसेस में। और पॉइजनिंग वाले केसेस में स्मेल करे, उसके ब्रेथ से क्या स्मेल आ रहा है, और देखे उसको चला के कि उसकी गेट स्टैगरिंग तो नहीं, लड़खड़ा तो नहीं रहा, ठीक है। और उसकी कोऑर्डिनेशन देखे, उसकी स्पीच देखे कितनी कोहेरेंट है, उसका एटीट्यूड देखे वो फ्यूरियस है, कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव है, गनूदगी में है,
और उसके लिबास से उसका पता वो कितना वो डिसफिगर्ड है। उसके बाद वो इंजरीज हमने लिख दी। अब ये हमारी सारी है ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको अब आना चाहता हूँ। इन अब मतलब हमने उसकी आइडेंटिटी, पहले हमने अथॉरिटी देखी कि क्या मैं ऑथराइज हूँ ये मेडिको लीगल करने के लिए। आपके पास मेडिको लीगल आता है कि वाकया हुआ है ग्वालमंडी में, मेडिको लीगल कटा हुआ है जनरल अस्पताल का, तो समझ लो कि मामला कोई फिशी फिशी है। ठीक है जी, नक्शा मजरूबी है, पुलिस डकट था, कंसेंट थी, उसके बाद उसका बायोडाटा, फिर उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इंजरीज का एग्जामिनेशन। अब जो उन्होंने इन सब चीज ये हैं उसकी ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जो निचोड़ है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट का वो चार चीज़ें हैं। एक है नेचर ऑफ इंजरी, कसास एंड दियत आर्डिनेंस के तहत नेचर ऑफ इंजरी क्या है। एक है काइंड ऑफ वेपन, असला कौन सा यूज हुआ है। एक है प्रोबेबल बार प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, और एक है पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन। ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि इन चार के ऊपर अब डॉक्टर साहब अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें। बात समझ रहे हैं? नेचर ऑफ इंजरी एज पर कसास एंड दियत आर्डिनेंस। मैं कसास एंड दियत इसलिए कहता हूं कि वो पीपीसी में जब कहूंगा तो वो उसमें वो सेक्शन, काइंड ऑफ वेपन यूज्ड, ड्यूरेशन ऑफ प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन। यानी जो आपने हिस्ट्री लिखी, जो कपड़ों का मुआयना लिखा, जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखा, जो इंजरीज की डिस्क्रिप्शन लिखी, उन चार वो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हिस्ट्री हैं। कंक्लूजन ये है, बात समझ गए? इसलिए मैं अब इसको मैं बंद करके तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, कोई एक आधा फील्ड मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। इंजरीज पे मैं आऊँगा, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं, ये आप देख लें कि नेम एज वगैरह को अगर आप छोड़ दें तो ये इंजरी नंबर वन लिखा हुआ है, लेसरेटेड वोंड 0.3x0.3 सेंटीमीटर ऑन मिड राइट साइड ऑफ नोज विद स्वेलिंग 3x3 सेंटीमीटर अराउंड नोज विद ब्लीडिंग फ्रॉम वोंड। अगर ये मेडिको लीगल ठीक है, लेसरेटेड वूंड कितने लोगों को पता है? पुलिस वाले इसको लिखते हैं कटा फटा जख्म या खून चुका जख्म। क्या है ये? मैं आपसे ये पूछता हूं कि कुंदाला क्या होता है, और आपके पास यहां इस कमरे में कितने कुंदाले हैं? हाँ जी, ब्लंट वेपन्स के नाम बताएं ना। ब्लंट तो ठीक है ना, कह दिया आपने। आईने पाकिस्तान का नाम ले दिया आपने अदालत में, उसका आर्टिकल भी तो बताएं ना। हाँ जी, और बताएं, बोलते जाएं। हाँ जी, और उसके बाद वो जो बैक जो बट होता है। हाँ जी, वो भी सी आएगा। और हाँ तो ना ख़त्म हो, मैं आपका टाइम इस पे नहीं ज़ाया होने दूंगा, लेकिन ना ख़त्म हो भाई। जो आपके पास हैं, मुक्का है, ठुड्डा है, टक्कड़ है, चपेड़ है, मोबाइल है, पर्स है, उसका तो आप नाम नहीं ले रहे।
मेज़ है, कुर्सी है, कैमरा है, दीवार है, फर्श है, खिड़की है, दरवाजा है, हैंडल है। संजीत मैं पहले से काफी खत्म ही नहीं हूँ, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं रहते नहीं वो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल की, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग यूज़ कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, अब देखें ये कुंडलें हैं, आपको ये बीइंग प्रैक्टिसिंग लायर पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडले से जरबात कौन सी आती हैं, कौन सी जरबात आती हैं, कुंडले से कौन सी जरबात आएंगी, लेसरेटेड वुंड, चलो वो तो मैंने तस्वीर रखी हुई थी ना, और ब्रूज आएगा, उसको नीलगुण निशान कहते हैं पुलिस वाले, और खराशें अब्रेयन आएंगे, ठीक है जी, और नहीं कंकशन इज नॉट एन ऑर्गेनिक डैमेज, और फ्रैक्चर ऑफ बोन और तुथ, दांत का और हड्डी का, दांत हड्डी नहीं है, हड्डी की तरह सख्त है, दो ही हार्ड टिश्यू हैं इंसानी जिस्म में, एक बोन एंड एक तुथ, बट तुथ इज नॉट ए बोन, ठीक है, और जो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, बाजू पकड़ के मरोड़ दिया है, मोढ़ा निकल गया, जिस तरह अनोखी पहलवान का निकल गया। सर एक्सक्यूज जी, ये डिसलोकेशन कई केस में मैंने देखा जी, उसमें उसने आर्टिफिशियली किया हुआ था डिसलोकेट, और डॉक्टर्स ने उसको लिख दिया। और सर अगर बड़ी मौजरत के साथ, ये जो मैनर ऑफ इंजरी है ना, मैं कन्विंस हूँ हमारे सिस्टम में ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, या तो ऐसे डॉक्टर तैयार कराइए कि जिन्होंने LLB किया हो, क्रिमिनल क्रिमिनलिस्टिक दे विच भी कोई कोर्स किया हो। देखें ये है मैनर ऑफ इंजरी, हमारे मुल्क में डॉक्टर मौका वारदात पे नहीं जाता, गवाहों के बयान नहीं लेता, उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं करता, एविडेंस मौके से कलेक्ट नहीं करता, उसके पास तो बंदा आया उसने हिस्ट्री दी है, खतून है कोई कि वो मेरे भरा नाल जायदाद का तनाजा सी, या हमसाया ने साढ़े बूहे अगे कूड़ा सुटिया, वो आ गए तो उन्होंने एक बीबी ने मेरी बाँह फड़ के इंज करके मरोड़ी तो मेरा मोढ़ा निकल गया। हूँ डॉक्टर साहब का तो कंसर्न है वे कि मोढ़ा निकलिया कि नहीं निकलिया, निकलिया किस तरह है, उसका मैनर क्या है, इसमें साइंस किसी हद तक हेल्प ज़रूर करती है, लेकिन ये डोमेन आ जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, लेकिन साइंस दुनिया में साइंस करती है हेल्प। देखें ना, देखें आप ये चीज़ थोड़ी सी जेहन में रखें, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि हम एक इसमें तरक्की करें, ये स्पेशलिटी एक नेगलेक्टेड स्पेशलिटी है पाकिस्तान में, अब तो हार्ट अटैक पीछे चला गया, कोरोना डेंगू आगे आ गया, अब तो फालज पीछे चला गया, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ पीछे चली गई, सामने तो मच्छर ही लेके बैठ गया सानू, डेंगू तो कोरोना, सारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो उधर चले गए। शैब अख्तर का ऑस्ट्रेलिया में सिटी स्कैन होता है, वो बता देते हैं कि इसकी कोहनी के इस जगह पे जो मसल लगे हुए हैं उनके ये वाले फाइबर जो हैं वहाँ पे सोजिश है। पाकिस्तान में सिटी स्कैन होता है तो कहते हैं सानू कोई नज़र ही नहीं आया। थोड़ा सा मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बाहर हम अभी क्योंकि हमारे ये ज़रा साड़ियाँ लड़ाइयाँ भी सिंपल ने, मतलब कि इन्निया कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बनती हैं जब उनकी FIR मनूवर्ड करके लिखाई जाती है। मैं आपको दो चार सच्चे वाक्य बता सकता हूँ जो मैंने खुद पोस्टमार्टम किया। उसने कहा जी मेरा वालिद नाश्ता करके घर से निकला, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोल के बाहर गली में कदम रखे तो सामने दुश्मन ताक लगाए बैठे थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और वो मौके पर ही जाम भाग को हो गया। ये उसकी बेटी का बयान है साथ एक दो और बंदों का। हमने जब पोस्टमार्टम किया तो उसका मैदा खाली था, अब वो कह रही है कि नाश्ता करके घर से निकला,
ठीक है जी, हमने लिख दिया कि मैदा खाली है। मैदा खाली होने का क्या मतलब है? अगर आपने दाल रोटी खाई है, चावल खाए हैं, सिंपल जो गुजारा है, तो वो अगर आप सेहतमंद हैं, मैदा भी सेहतमंद है, तो ये 4 घंटे लेता है एम्प्टी होने में। इसका मतलब है कि अगर रात उसने 10 बजे खाना खाया है, तो ये 2 बजे से लेकर सुबह की नमाज के दरमियान का वाक़या है। ये नाश्ता करके फौरन घर से निकलने वाला वाक़या नहीं। बात समझ रहे हैं? हमारे पास, लेकिन हमने किताबों में ये पढ़ा है जो अंग्रेज़ की लिखी हुई है, कि वो स्कूटर पे जा रहा है और वो तो सम अदर हाउ स्कूटर स्लिप होता है, गिरता है, फुटपाथ पे उसका सर टकराता है। ये इंग्लैंड का वाक़या है, डेथ हो जाती है। उसका पोस्टमार्टम वो करते हैं, तो वहाँ पर उनको उसके ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट मिलता है। वो ब्लड क्लॉट के ऊपर वो जो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करने वाले हैं, वो कहते हैं इस क्लॉट की एज उतनी नहीं है जितना ये स्कूटर से गिरने वाले वाक़े के हिसाब से बनती है, ये पुराना है। जब वो कहते हैं ये पुराना है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसकी बीवी कन्फेस करती है कि हमारी 5-6 दिन पहले किचन में लड़ाई हुई सी, तो मैं ये सिर पर डोई मारी सी। मैं ये मैंने मतलब मैं इसका मैंने खुद पढ़ा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है कि एक लड़की ड्रंक 2 बजे, ये न्यूयॉर्क का वाक्य है, वो घर वापस आती है लेकिन मेन डोर से नहीं आती कि माँ मेरी उठ जाएगी। वो किचन का दरवाज़ा टू सम अदर हाउ किसी तरह मैनिपुलेट करके एंटर होती है, शोर होता है, माँ सोई हुई है। मतलब कि मैं पंजाबी माँ नहीं, अंग्रेज़ माँ की गल कर, पता नहीं वो भी ड्रंक सोई थी क्या। वो शॉटगन उठाती है, उन्हें समझा चोर है, उठा फायर कर दी है, कुड़ी मार देंदी। पुलिस आती है, वो मौका वारदात देखती है, उसकी कहानी सुनती है, हमसायों के बयान लेती है, वो बयान देते हैं, वो मौके पर डिसाइड कर देते हैं ये एक्सीडेंटल डेथ है और बॉडी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। हमें जो प्रॉब्लम पेश आ रही है माफ़ी के साथ, कि दाता दरबार के सामने एक फकीर है 30 साल तो मांग रहे हैं, नशेई है, वो डेथ हो जाती है, पुलिस उसकी डेड बॉडी को उठाती है, उठा के हमारे पास रख देती है, महीना महीना उसका पोस्टमार्टम नहीं कराती, क्योंकि वो ऑपरेशन वाले कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन वालों ने कराना है। इन्वेस्टिगेशन वाले कहते हैं सानू FIR दे के भेजनगे, FIR लिखने वाले कहते हैं कोई रिश्तेदार मिलनगे तो FIR लिखांगे, तो तद दे कागज़ पूरे होंगे। और 50 डेड बॉडियाँ कट्ठिया हो जाएं, बत्ती चली जाती है रात को, आँदी आँदी है 12 घंटे बत्ती नहीं आँदी, अखबार में TV पर खबर चल जाती है, मुअत्तल डॉक्टर हो जाता है, पोस्टमार्टम करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है। हम किसी को दावतनामा नहीं भेजते कि आके पोस्टमार्टम करवाएं। डॉक्टर से मुअत्तल होने का मतलब है वे कि अगर मेरे पास 5 डॉक्टर हैं तो 4 रह गए, जो काम पहले मैं 5 के कर, क्योंकि मुअत्तल वाला बंदा का तो काम नहीं कर सकता, बाकी 4 जो हैं वो कहते हैं सानू तो इतों ट्रांसफर करा दो, असी मुअत्तल नहीं होना, असी कोई दुकान खोल लेंगे, सेप्ट्रॉन पैरासीटामोल दे के रिजक कमा लेंगे, असी यह पोस्टमार्टम मेडिकोलीगल वाला काम नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब कि आप लोग, हम एक टीम है, ये मैं आपको बता दूं। फॉरेंसिक मेडिसिन का बंदा अगर कहे, अगर मुझसे अदालत में सवाल करते हैं ना डिफेंस लॉयर कि आपने ये पुलिस से मिल मिला के पोस्टमार्टम किया है, तो मैं कहता हूँ हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों मैं ये कहता हूँ अपने, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट उसने दिया, फॉर्म बे उसने दिया, इंजरी स्टेटमेंट उसने दी, डेड बॉडी उसने मेरे हवाले की, मुझसे उसने रिसीव की, तो ये टीम वर्क है, उसके बगैर तो मैं कर ही नहीं सकता था। चलो हम उस पर आते हैं। ये नीलगो निशान है, ये ब्रूज हैं। अब मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, बींग ए प्रैक्टिसिंग लायर, अगर आपके पास ये केस आता है, मेरे पास आया हुआ है ये एक बहुत इनिशियल दिनों में, उन्होंने कहा जी जो छत डालने वाले बाले होते हैं ना, वो कमर पे मारे हैं बटक्स पे, और डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है वहाँ एक खुला हुआ जख्म, लेसरेटेड जख्म या इनसाइज वुंड,
बटक्स पे लाठी लगने से लैसरेशन नहीं आएगी। पुलिस टॉर्चर के केसेस तो आपने देखे हुए हैं ना, कितने बटक्स पे वो मारते हैं बेदर्दी से। कभी वहाँ खुला हुआ जख्म देखा है? नीलगुण शान ही देखे हैं ना। लेकिन वो लाठी जब सर पे लगेगी, वो बाला लकड़ी का सर पे लगेगा, तो यहाँ लैसरेशन आएगी। यार कील 10 ज़र्ब 2 सेंटीमीटर लंबा लैसरेटेड वुंड नहीं ना पैदा करेगा। कील तो आपको 1.2 × 0.2 सेंटीमीटर लैसरेशन पैदा करेगा, जो अंदर खुबिया हुआ होएगा, जो कि एक पंचर्ड वुंड होगा। ठीक है, ये जो लगने वाली बात है, ये फ्रेंजिक मेडिसिन में हम नहीं मानते, ये मेडिसिन में होती है। फ्रेंजिक मेडिसिन और मेडिसिन का फ़र्क समझें। मेडिसिन में है कि मरीज़ डॉक्टर साहब के पास जाता है कि कांपे के साथ बुखार है, आम डॉक्टर वो कहता है अच्छा मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, नमूनिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, गला ख़राब भी हो सकता है। फ्रेंजिक मेडिसिन में है या नहीं है? क्योंकि लगने वाली बात तो फिर ये भी है कि वो कीलों वाला डंडा जिन्नात ने मारा हो, इंसान ने मारा ही ना हो। अगर पॉसिबिलिटी पे ही हमने बात करनी है, इम्कानात पे ही, तो फिर इम्कान तो ये भी है। अजम्पशंस पे नहीं, फैक्ट्स पे चलें ना। देखें, मेरे पास केस आया है थर्ड ईयर में, जो मैं आपको आपके प्रैक्टिकल पॉइंट आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं 5-6 बंदों ने हमला किया, मैंने ऐसे अपना हाथ किया और मेरी ये जो छोटी उंगली है उसका सबसे जो आखिरी वाली हड्डी है ना, यहाँ से मेरा फ्रैक्चर हो गया। हवा में हाथ है, डंडा लगा है, हड्डी नहीं टूट सकती, खासकर जब इस साइड पे लगेगा जो पाल्मर एस्पेक्ट है। हड्डी तब टूटेगी जब ये दो ये मेज पे पड़ा होगा हाथ, यहाँ डंडा लगेगा। और ये ऐसा कौन सा डंडा है जो सिर्फ छोटी उंगली की एक छोटी हड्डी को तोड़ेगा, और 5-6 बंदे हमला करने वाले डंडे बसा रहे हैं और सिर्फ यही एक टूटेगी, और पूरे पंजाब में यही टूट रही है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन यस आ गई ना। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले कहा था, हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे फैसला करना है। जो मैं कह जिसमें मैं यहाँ पर आया इस ऑब्जेक्टिव में हूँ कि मैं आपका आप मेरे साथी बने इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के लिए। मैं आपको ये डायग्राम्स दिखा दूँ। ये नीलगुण शान है जी। अब आपको लगेगा कि ये यहाँ पे मुक्का लगा है, ये हो सकता है सर पे ज़र्ब हो, ब्लड यहाँ इकट्ठा हो गया हो, इसको हम ब्लैक आई कहते हैं। ये ज़र्ब नहीं हो सकती, लाजमी नहीं कि ये ज़र्ब हो, इसको ब्लैक आई कहते हैं, इसलिए ये तस्वीर रखी है यहाँ पे। ये भी नीलगुण निशान है जिंदा बंदे में। अब वो कहता है जी आज सुबह मेरे घर पर हमला हुआ है, हमें सोटों से मारा है। तो मैं जब उसकी वो नील को निशान देखता हूँ, मैं देखता हूँ वो येलोश कलर का है, वो रेड या ब्लू नहीं है, वो ब्लूश रेड या रेडिश ब्लू नहीं है, वो रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश रेड नहीं है। इसका मतलब है वो कम से कम 10 दिन पुराना है। नील को निशान का कलर उसका साइंटिफिकली वो कलर उसका ड्यूरेशन बताएगा। कलर देखना आना चाहिए। अगेन आईज कैन नॉट सी व्हेन माइंड डस नॉट नो। लेकिन हर बंदे में ये कलर चेंज होने का टाइम डिफरेंट होगा। हर बंदे की अपनी फिजियोलॉजी है, अपनी बायोकेमिस्ट्री है, अपना मैकेनिज्म है, लेकिन अमूमी तौर पर 15 दिनों बाद नीलगुण निशान का कोई टेल टेल मार्क नहीं रहता। यही हिसाब खराश का है। आइडियली खराश को कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए जब वो मुकम्मल हील हो जाए। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने लिखी हुई तो ब्रेन है, लेकिन वहाँ एक स्कार है। अब वो स्कार ये बताता है साइंटिफिकली
आप भी जब वो रिपोर्ट पढ़ेंगे कि वो ब्रह्म नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि या तो वो इनसाइज वाउंड था या लेसरेटेड था जिसका स्कार बना है। अब स्कार से ये कह, अगर इनसाइज वाउंड था तो तेज धार आला था, क्योंकि लेसरेशन कुंद आले से आएगी, तेज धार आले से क्या आएगा? इनसाइज वाउंड। अगर वो जिस्म पर फेरा जाए एंड लेंथ इज द ग्रेटेस्ट डिमेंशन, अगर वही तेज धार आला पेट में घुसेड़ दिया जाए तो वो स्टैब वाउंड है। और लाजमी नहीं तेज धार आला भी पेट में घुसेड़ा जाए, वो आप ये जो बैद होता है, बॉल पॉइंट होता है, बर्फ तोड़ने वाला सुवा होता है, चार मुंह वाला पेचकस होता है, कुछ भी घुसेड़ सकते हैं। वो स्टैब जब डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी तो वो स्टैब है, जब लेंथ ज़्यादा होगी तो वो इनसाइज है। अब स्कार से एक तो स्कार की एज बताना कि ये कितना, इसका प्रोबेबल ड्यूरेशन, मेरा काम पहले वाले टीयर से ज़्यादा मुश्किल है। उसने फ्रेश इंजरी देखी है, मैंने हील्ड देखा। फ्रेश को देख के टाइम बताना या वेपन बताना ज़रा थोड़ा है। और अब जो हील्ड स्कार है, क्योंकि आप नॉन डॉक्टर्स हैं, लीगल फ्रेटर्निटी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ मोर देन 6 मंथ। मैं उसकी लोअर लिमिट नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे ये मेरे एक निशान है इधर यहाँ पे, अगर किसी नज़दीक कहीं आके देख ले तो स्टार शेप। ये मैं दूसरी तीसरी क्लास में था जब मैं एक दीवार से गिरा था तो नीचे वो शीशे की किरचियाँ। मैं इसके मतलब कभी भी यही कह सकता हूँ कि इट इज़ मोर देन 6 मंथ इसका ड्यूरेशन है। मैं ये नहीं कह सकता ये इसका टाइम 12 घंटे है, 24 घंटे है, 1 साल है, 10 साल है, ठीक है। मोर देन 6 मंथ का मतलब है वो 6 साल भी हो सकता है, 16 साल भी हो सकता है, समझ गए। स्कार, स्कार की ये वो एक है। अब उसका वेपन देना है। वेपन में किसी हद तक हम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो लाजमी नहीं सिर्फ मेडिकल अफसर का ही मेडिकल लीगल रिपोर्ट आए, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड की तो रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है ना। तो उसमें जो होता है ना इनसाइज वाउंड, उसका स्कार बड़ा ही नफीस किस्म का होना चाहिए, स्मार्ट सा, क्लीन। जो डंडे वाला होगा वो ज़रा इरेगुलर होगा, इतना खूबसूरत नहीं होगा। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं आज ही केस करके आया हूँ जिसमें बोर्ड ने कहा है कि ये खुद साख्ता है सर के पीछे। डिस्ट्रिक्ट सैंडिक मेडिकल बोर्ड भी स्कार देखता है, हम भी स्कार देखते हैं, वो ज़रा 3 महीने तक देख लेते हैं, हमारे पास पहुँचते हुए 6 पहले एग्जामिनर ने। अब वो सेमी सर्कुलर था, स्टिच के मार्क लगे हुए थे, इरेगुलर था, पता चल रहा था कि जो उसकी हिस्ट्री है थोड़े थोड़े वाली उसके साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन नहीं बनती, नो बनती है। हाई कोर्ट का फैसला है कि साथ रीज़न दिया करें इसमें ये करते हुए। लेकिन उसके मुकाबले में एक ऐसा स्कार, मैंने रावलपिंडी में जब अपने सब ऑफिस में गया तो एक ही फैमिली के 9 केसेस थे, एक ही फैमिली के, सब के राइट साइड ऑफ हेड पे वर्टिकल स्कार थे तकरीबन एक जैसी डायमेंशन के, ऐसे जैसे फुटा रख के लाइन खींची गई, बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी। मैंने सबको पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन यस किया। ये कैसे हो सकता है कि दुश्मनों ने 7 आदमियों को एक ही जगह पे एक ही डिमेंशन के तकरीबन एक ही कॉन्फ़िगरेशन की इंजरीज काज की हूँ? बात समझ गए। तो नीलगो निशान का ड्यूरेशन कलर चेंज से, ये एक मेडिकल की पैथोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, उसमें एक चैप्टर होता है हीलिंग एंड रिपेयर। वो हीलिंग एंड रिपेयर जो जो जिन स्टेजेस से गुजरती है
तो जख्म की नौइयत चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंटरसेप्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे जख्म में रेशा पड़ गया, जब जख्म में रेशा पड़ गया है ना, तो वो जख्म 36 घंटे से कम का नहीं हो सकता, और उसका नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा, वो डिलेड हो जाएगा। इसीलिए ये फ़ारूक हैदर साहब की अदालत में लगा हुआ केस था, उन्होंने कहा जी कि आप हमें टाइम लिमिट दें कि हर इंजरी का कितनी देर में दोबारा मुआयना हो सकता है। मैंने कहा जी साइंस तो नहीं दे सकती। इसीलिए अंग्रेज़ ने जब ये फॉर्म बनाया था ना, तो उन्होंने इसके ऊपर टाइम लिमिट का लिखा हुआ था प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला फॉर्म देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है प्रोबेबल ड्यूरेशन बिटवीन इंजरी एंड डेथ, प्रोबेबल ड्यूरेशन बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम, प्रोबेबल। लेकिन प्रोबेबल का भी आपके इंटरेस्ट को उजागर करने के लिए, हार्ट के चार खाने होते हैं ये तो आपको पता है ना, लेफ्ट साइड वाला जो वेंट्रिकल है सबसे मजबूत होता है। एक गोली वहां लगी है, एक गोली लेफ्ट साइड के ऊपर वाले हिस्से को जिसको लेफ्ट एट्रियम में लगी है वहां लगी, पहले डेथ किस में होगी? क्यों तो आप नाम तो एट्रियम का ले रहे हैं, वेंट्रिकल वाले में कहना चाहते हैं? नहीं, वेंट्रिकल स्ट्रांग है, हाँ, एट्रियम पर लगने से डेथ पहले होगी। शाबाश, और कोई इसकी वजह? लेफ्ट वेंट्रिकल वो वाला खाना है जो सारे जिस्म में खून फेंकता है। ये ठीक कह रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि हार्ट सुकड़ता है, जब सुकड़ता है तो थोड़ा सा रोटेट भी करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक वॉल है, वो मोटा है बड़ा है, तो वो वाला होल वहाँ सील हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ही कोई नहीं, वो यकदम गश ऑफ ब्लड आता है, उसमें डेथ पहले होगी। ये तो साइंस है, ये तो मैं बता सकता हूँ इतना, ठीक है ना, एक हद तक ये। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि ये इस बंदे पे दो नीलगू निशान हैं, दो लेसरेशन हैं, दो इंसाइज वूंड हैं, ठीक है, एक गोली लगी है और इस पर तेजाब भी फेंका है, अब इसका बताएं री एग्जामिनेशन करने का क्या टाइम लिमिट हम मुकर्रर करें कि इतने दिनों में दरख्वास्त आए तो री एग्जामिनेशन के ऑर्डर कर दें? वो नहीं हो सकता, साइंस दे ही नहीं सकती, क्योंकि डिपेंड करता है बंदा है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सेहतमंद है, बीमार है, उसको डायबिटीज़ तो नहीं, अगर उसको शुगर है उसके ज़ख्म देर से ठीक होंगे तो वो टाइम और लंबा हो जाएगा, अगर उसको टीबी है तो वो उसमें उसको कोई और ऐसी बीमारी है। फिर एक मज़दूर है, ठीक है जी, उसके मसल मजबूत हैं, वो मैनुअल काम करता है, उसके ऊपर सोटों के निशान इतनी जल्दी नज़र नहीं आएंगे जितने एक मेरे जैसे दफ्तरी बाबू पे नज़र आएंगे। फिर हम डार्क स्किन लोग हैं, ये जो टाइम दिए हुए हैं अंग्रेज़ ने अपनी किताबों में, ये अपने बंदों के हिसाब से दिए हुए हैं, ये हमें लाइट चाहिए, तो लाइट कहाँ है? मेडिको लीगल का मुआयना करने के लिए एक मखसूस लाइट चाहिए, मखसूस स्ट्रेंथ की, मखसूस डिस्टेंस से, ये फैसिलिटीज हैं ना, समझ गए बात? कुछ और तस्वीरें देखते हैं फिर मैं, ये भी नीलगुण शान, ये क्या है? ये इम्तिहान है आपका, ये खराश है, ब्रॉड है, मोटरसाइकिल पे गिरा, सड़क पे रगड़ता हुआ गया, इसको ग्रेज कहते हैं, जो सिंगल खराश होगी उसको स्क्रैच कहते हैं। ये क्या है? ये लेसरेशन है। अब ये देखें, ब्लंट वेपन से, कुंद आले से लेसरेटेड वूंड खुद साख्ता नहीं हो सकता,
ये जहन में रखें, बहुत पेनफुल इंजरी है। जो मैं एक दफ़ा डीपीओ शेखुपुरा के पास चला गया, वहाँ मैं केस करने गया, मैंने कहा जब तीन तीन मायनों के बाद साबित हो गया ये इंजरी खुद साख्ता है, तो जिसने खुद साख्ता लगवाई है उसको गिरफ्तार करके अंदर क्यों नहीं डालते? आपके शहर में आपको पता होगा कौन सा मेडिकल स्टोर वाला, कौन सा डिस्पेंसर, कौन सा पहलवान ये हड्डियाँ तोड़ के ये जाली मेडिकल लीगल बनवा रहा है। तो कोई किसी की उंगली तोड़े या कोई अपने आप खुद से तोड़े, जुर्म तो एक ही है ना, वो उस पर लगती है दफ़ा के नहीं लगती, उस पर पर्चा होना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा आप ये काम नहीं करते, लोग पहले उंगली तोड़ते थे, आज से 30 साल पहले एक उंगली तोड़ती, फिर उन्होंने बाजू तोड़ना शुरू कर दिया, फिर नाक तोड़ना शुरू कर दिया, अब उन्होंने दो दो तोड़नी शुरू कर दी हैं ताकि खुद साख्ता वाले डॉक्टर साहब के जहन से शक की निकल जाए, एक ये तोड़ते हैं एक ये तोड़ते हैं। लेकिन इसमें काजी अमीन साहब का फैसला है, वो है तो बेंच का फैसला, तहरीर उन्होंने की है, उसमें उन्होंने फर्स्ट मेडिकल लीगल रिपोर्ट को डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कानून शहादत आर्टिकल, मुझे वो उसका नाम याद नहीं रहा, उसके तहत वो डिफेंडेड है। बोर्ड जो है अजम्पशन की बोर्ड, पहले तो उन्होंने मुझे स्टेट साहब को कहा कि आपके पास एक पार्टी दरख्वास्त लेके आती है कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, गलत मेडिकल लीगल है, तो दूसरी पार्टी को तो सुने, दोनों को सुन के फैसला करें ना। अच्छा, फिर बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने कहा जी इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल कैन नॉट बी रूल्ड आउट। एक तो यह बड़ी मुसीबत है कि ये जो फ्लाइट ऑफ थॉट है भाई, उन्होंने कहा जी फॉल का तो किसी FIR में किसी बयान में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ये आप एक तीसरी तरफ से अपना एक खुद ही एटमॉस्फेरिक नॉलेज, इसको हम डॉक्टर कहते होते हैं हवाई नॉलेज, हवाई नॉलेज वो एक पढ़िया पढ़ाया है नहीं, साल वाइवे शुरू होए तो जेड़े पहले 10 वाइवे दे के आए ने उन्होंने को पूछे अच्छा की पूछे है तो एदा की जवाब सी, उसको उम्मीद होती है शायद मुझसे भी यही पूछा जाएगा तो मैं वही बोल आवाँगा तो पास हो जाऊँगा, जो है ना हवाई नॉलेज सीना पसीना जो है ना चल। तो उन्होंने उस पर ये कहा हुआ है कि ये एक तो, और ये है बड़ी मजरत के साथ कि सिंगल एप्लीकेशन के ऊपर अपोजिट के आर्गूमेंट्स लिए बगैर वो री एग्जामिनेशन के ऑर्डर कर देते हैं। जो उसमें 2,25,000 साल का मेडिकल लीगल होता है तकरीबन पंजाब में, 10,000 तकरीबन पोस्टमार्टम होता है, 10,000 सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, तकरीबन 10,000 पॉइजनिंग के केसेस हैं। इस 2,25,000 में से अगर मैं बहुत मुहतात रहूँ ना तो 65-70% फॉल्स केसेस हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ मेडिकल लीगल वर्क जो है ना वो इफेक्ट होता है, जो सही केसेस हैं वो रह जाते हैं। थोड़ी सी ज़रा बात हट गई है लेकिन मुझे जो मैं आपसे हासिल करना चाहता हूँ, 2,25,000 साल के सारे पंजाब के सर, लाहौर के नहीं, किसी अभी तक मेडिकल लीगल केसेस में, मैं बम ब्लास्ट के केसेस के अलावा, ये जो रिलीजियस मैटर्स हैं इनके, ये इनके अलावा, जन जर जमीन के अलावा मुझे चौथी वजह नजर नहीं आई, सके बहन भाई, यानी दो सके भाई मुल्तान का केस है, 65 ईयर्स प्लस एज है, एक की बेटी दूसरे के घर है, दोनों एक दूसरे के साथ मेडिकल लीगल पर्चा करा के हड्डी तोड़वा के एक दूसरे के खिलाफ केस कर, सके बहन भाई, और पीछे वजह जमीन का टुकड़ा है या वो पानी लगाने वाली बात और गांव में जो चुदराहत है वो है, या अल्लाह माफ करे ये रिश्ते देने लेने के ये मामला था। जो मेरा ये मेरा मतलब कि आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये जो प्रोबेबल ड्यूरेशन वाली बात की थी, मैंने एक मैंने कट थ्रोट का केस किया था, कट उसमें ये जो खून की नालियाँ वो कटी हुई थी, तो मैंने टाइम दे दिया विद इन हाफ एन आवर बिटवीन इंजरी एंड डेथ, विद इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स। और मुझे उन्होंने सवाल किया जी हाफ एन आवर से क्या मुराद है,
क्योंकि वो मुझसे सुनना चाहते थे कि 15 से 30 मिनट, तो मैंने कहा जी इससे मुराद है 0 to 30 मिनट्स। तो उन्होंने कहा जी मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ, तो मैंने कहा जी मैं नहीं लेने देता लगवा क्योंकि ये इसको कहते हैं मूवमेंट्स आफ्टर इंजर्ड पर्सन, ये बड़ी अनप्रडिक्टेबल भी हैं। हमने यहाँ से गोली लग के यहाँ निकलते हुए और फिर बंदे को गोली मारने वाले के पीछे भागते हुए कि फिल्में तो देखी हैं, ये हिस्ट्रियाँ भी सुनी हुई हैं लोगों से, देखी भी हुई हैं ये वो, इसलिए ये इसको टाइम फ्रेम में हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक, जो आप लोगों को एज ए प्रैक्टिसिंग लायर चाहिए, यहाँ मेरे आने का फ़ायदा ये है कि आप जब रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पता, एक तो ज्यूरिसडिक्शन का पता चले, अथॉरिटी का पता चले, कंसेंट का पता चले, ये पता चले कि भाई लेसरेटेड वाउंड बटक्स पे लिखा हुआ है, यहाँ खंजर से वार करके तो खुला हुआ ज़ख्म आ सकता है, जो साइज वाउंड होगा, स्टैब होगा या कट होगा, छोटा लगने से यहाँ खुला हुआ ज़ख्म नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये गलत है, वो मेडिकल लीगल गलत कटा हुआ है। ठीक है कि नहीं? आपको ड्यूरेशन का जो है मतलब हिस्ट्री ऊपर लिखी हुई है, 5 दिन पहले का वाक्य है, नीचे लिख दी है फ्रेश। अगर फ्रेश लिखा है तो उस फ्रेश की कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि ये रेड कलर का था, यहाँ सोजन थी, खून निकल रहा था, ये फ्रेश की निशानियाँ हैं ना। तो अगर वो फ्रेश है और 5 दिन पहले की हिस्ट्री है, तो इसका मतलब है कि वो ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे। इट नीड्स द इन्वेस्टिगेशन बाय फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जी, एक तो सीजन से ये फ़र्क पड़ता है कि गर्मियों में मेडिकल लीगल केसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, एक लोड शेडिंग, टेम्परेचर ज़्यादा, वैगन में सीट नहीं मिल रही, दफ्तर लेट पहुँचे ये। लेकिन टेम्परामेंट सीज़न से ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो पोस्टमार्टम में जो हमने ड्यूरेशन देना है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं नहीं, वो इंसान की केमिस्ट्री है, वो सीज़न पे नहीं है। सीज़न से ये फ़र्क पड़ता है, अगर डेड बॉडी है तो उसके गलने सड़ने का अमल ज़्यादा तेज़ी से होता है। जो काम बर्फानी इलाकों में हफ्ते में होना है वो यहाँ 24 घंटों में शुरू हो जाता है, शदीद गर्मी में ये असर पड़ता है। और इसीलिए ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ टसल ये है कि जो डेड बॉडी ऑलरेडी गलने सड़ने के अमल जिसमें शुरू हो गया है उसको आप उसी वक्त पोस्टमार्टम कराएं, क्योंकि एक दिन बाद जो आज ज़रबात उस पर नज़र आ रही हैं वो कल नहीं आएंगी। एक तो उसको फ्रीज़र में नहीं रखना क्योंकि वो बाकी बॉडियों को ख़राब करेगी, और एक वो अमल रुक नहीं सकता, तफन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मुश्किल काम है ये, इतना ये वो काम नहीं है, ये तो अफ़न बहुत ज़्यादा होता है। एक उसमें जो सबसे बड़ा मेरा वो जो है कि जूँ जूँ टाइम पीरियड ज़्यादा जाता जाएगा पोस्टमार्टम करने में, तो वो ज़रबात ख़त्म होती जाएंगी गलने सड़ने के अमल से, दैट लीड टू द मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। मेरा असल में ये होता है, बाकी वहाँ इन्वायरमेंट तो साफ होनी चाहिए। मेरे पास वो मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की जो मॉर्चरीज हैं दैट इज़ मोर क्लीन देन देयर ऑफिसेस ऑफ देयर एग्जेक्टिव्स। दुनिया में पोस्टमार्टम वाले कमरे में भी डेड बॉडी की भी एंजियोग्राफी हो रही है, हार्ट अटैक से डेथ, उसका सीटी स्कैन होता है, उसका एमआरआई होता है। यहाँ पर तो मैं जब एक्सरे मशीन मांगता हूँ तो मुझे कहते हैं लो मुर्दियों दे पला एक्सरे की करने, क्योंकि ये निगलेक्टेड स्पेशलिटी है। अल्लाह ने हम बनने तो हम भी घर से कार्डियोलॉजिस्ट ही निकले थे
लेकिन अल्लाह ने रिस्क इसमें लिख दिया, शुक्र है अल्लाह का, जहाँ पहुँच गए वहाँ बहुत सारे क्लास फेलोज देखते हैं कि ये प्रोफेसर हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं, लेकिन ये इस काम में देयर विल बी ऑलवेज एन एंग्री पार्टी अगेंस्ट यू, क्योंकि दो पार्टियाँ हैं ना, आपने जितना मर्जी हक सच पे काम किया हो, एक ने तो आपसे नाराज़ ही रहना है। अनफॉर्चुनेटली माशरे पे झूठ का गलबा है, फ्रॉड का गलबा है, मतलब कि लोग कहते हैं कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, इन्हें फांसी होनी चाहिए, सत कुंजा वाली गल नहीं, ये ना फांसी होनी चाहिए, बस इनू लटका दिता जाए, इन्हें मनु थप्पड़ मारिया तो क्यों मारे, एक सोटा लगा है, उसको पता है कि इस सोटे उत्ते ना पुलिस ने FIR दर्ज करनी है, ना मेरा मेडिकल लीगल करना है, ना मेरा कुछ बनना है, ना कुछ होना है, वो हड्डी क्यों तोड़वाता है, वो उसको सबक सिखाना चाहता है, उन्हें पहले ही तोड़वाई होंगी, उन्हें पता है मैं इन्हें मारे है, इन्हें मेरे से पर्चा कराना है, उन्हें अपनी पहले ही तोड़वाई होंगी कि क्रॉस पर मेरे पास फारिश ही ये आती है, डॉक्टर साहब दोनों का एको जहा कर दो सदा हो जाएगी। मैं आपको हल्फन और कसमन कह रहा हूँ, हाईएस्ट लेवल से मेरे पास ये आती है कि ये गांव के रहने वाले हैं, साढ़े पिंड दे ने पुरानी इनकी सियासी दुश्मनियाँ ये हैं, दोनों का एको जहा कर दो, असी बिठा के सुलह करा देंगे, ये एक दा फैब्रिकेटेड एक दा नॉन फैब्रिकेटेड होया तो वह तो आसमाना तो चढ़ेगा, उन्हें कभी भी सुलह नहीं करनी, फिर जब सुलह कर लेते हैं ना, फिर आप ये ना समझें कि आपकी बचत होती है, फिर वो साफ कर देने, डॉक्टर को इतने पैसे दिए, डिस्पेंसर को इतने दिए, इलाज मुआवजे पे इतने आए, वकील साहब को इतने दिए, जमानत पे इतने लगे, ऐ मेरे तू मनु दे, ऐ मैं तेरे तन देना, फिर सुलह होंगी, एवं सुलह नहीं होंगी, लेकिन आपको पैसे वो खुशी से देते हैं ये बात है उसमें ये उसमें अल्लाह ताला माफ़ करे। असल में जो मेरा एक, मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ 35 साल से टीच कर रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है रूट काज इसकी ये है कि वी हैव लॉस्ट आर एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स, इसमें वजह ये, हमारे वाक्या सच्चा होता है, कत्ल भी सच्चा होता है, मार भी सच्ची पड़ी होती है, वो जो FIR लिखवाई जाती है ना हम मशवरा होकर, वो मनिवर्ड होती है, वो काम ख़राब करती है, जितना मर्जी झूठ को बना संवार के लिखवाया जाए उसमें लकुने रह जाते हैं, और ये प्रॉब्लम ख़ासकर हमें पेश कर होती है जब सेंसिटिव मर्डर्स होते हैं। कई लाहौर की हिस्ट्री में कई ऐसे मर्डर हुए हैं रिलीजियस शख्सियात के, वो तीन तीन दिन तक FIR दर्ज कराते, अपने अपने मदरसों में बैठ के वो मशवरा कर रहे होते हैं कि किस तरह FIR क्या करनी है क्या नहीं करनी। मैंने तो 35 साल बड़ा अरसा होता है, मैंने तो थाने में दो लहदा लहदा फिरकों को बैठ के मस्जिद के कब्जे के ऊपर लड़ते हुए, बहस करते हुए, आर्गूमेंट देते हुए, वकीलों को साथ लेके जाते हुए, कोर्ट केसेस करने की तैयारियां करते हुए देखा। मैं आई विटनेस हूँ, ये मेरी कोई वो सुनी सुनाई बातें नहीं, और मेरा बड़ा दिल इसमें ना वो मैं हर्ट मैं तो वैसे अपने डॉक्टरों से हूँ, क्योंकि वो इसको डॉक्टरी समझते नहीं। हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरी ये मशहूरी हो कि मैं आज दिल का ऑपरेशन किया है, मैं दिमाग का किया है, मैंने अपेंडिक्स निकाली है, मैंने ये टाइफाइड ठीक किया है, मैंने ये नमूनिया ठीक किया है। कोई डॉक्टर इसमें प्राइड फील नहीं करता कि मैंने आज एक सुसाइडल डेथ को फायरआर्म से सही मायनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे के एक उस बंदे को और उसकी नस्ल को कत्ल के इल्ज़ाम से बचा लिया, या वाइस वर्सा। ये एक खिदमत है बहुत बड़ी, वो जो है ना, क्योंकि अगर वाकई वो सुसाइडल डेथ है और उन्होंने कॉन्टैक्ट वूंड में वूंड के अंदर ब्लैकनिंग टैटूइंग नहीं देखी और उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जिसने उसको सुसाइड साबित करना था, और एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ उन्होंने एनिमिटी में, और उसकी एक नस्ल तो तबाह हो गई। वो तो कहते हैं ना कि 302 दरख्त भी लगे थे वो भी सूख जाता, वो तो ख़त्म। या वो मर्डर था हमारे पास, मसलन
राइट हैंडेड बंदा है, राइट साइड पे कॉन्टैक्ट फायर है, सुसाइड के ऊपर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इधर टिल्ट करता है, लेकिन लेफ्ट साइड से एंट्री है, राइट से एग्जिट है, बंदा राइट हैंडेड है, इधर तो फिर हम जब पुलिस हमसे पूछती है तो फिर हम उन्हें कहते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करें। अब यहां पर वो उसको सुसाइड डिक्लेयर कराना चाहते हैं क्योंकि अपने ही होते हैं वो मारने वाले। बाकी अल्लाह पाकिस्तान का महाफ़िज़ है, इसके बावजूद भी सरवाइव कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश तो है। कोई सवाल आप पूछें सर, ये इंजरी की कौन सी टाइप है इसमें? ये वाली ये लेसरेशन है। अगर इसमें बोन एक्सपोज नहीं है, बोन एक्सपोज को देखने के लिए डॉक्टर साहब को बड़ा जेंटली ऐसे ज़रा सा उसको आउटर साइड पे करके, अगर खाली आंख से बोन नज़र नहीं आ रही तो फिर यह शज्जा खफीफ है, अगर बोन नज़र आ गई है तो ये शज्जा मौदे है, अगर नीचे फ्रैक्चर पल्पेट हो रहा है तो वो शज्जा हाशम है, अगर वो फ्रैक्चर के एंड डिस्प्लेस हो गए हैं तो शज्जा मुनक्ला है, अगर नीचे से दिमाग नज़र आ रहा है झिल्लियाँ उसकी तो ये शज्जा आम है, अगर वह झिल्लियाँ फट गई हैं तो ये शज्जा दामगा। 337A1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सुप्रीम कोर्ट ने हम डॉक्टरों को मना किया कि आपने सेक्शन नहीं लिखना, आपने नेचर ऑफ इंजरी का नाम लिखना। सर गुजारिश है कि आपने बड़ा शुरू में फरमाया था कि इसमें 30 के तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें एक अथॉरिटी था, जुडिशियल कंसेंट, एक कंसेंट। अब सर मैं कंसेंट पे आता हूं, गुजारिश है कि एक माइनर आपके पास आता है, ठीक है सर, माइनर की कंसेंट के लिए उसके जो क्या माइनर की कंसेंट लेंगे या उसके ऊपर जो उनके रिलेटिव है उसका ब्रदर है या नहीं, वो पेरेंट या गार्डियन की होगी। अगर स्कूल में है पेरेंट गार्डियन अवेलेबल नहीं तो कैप्टन ऑफ द शिप थ्योरी मास्टर, उसके तहत जो रिस्पोंडेंट है वो उसका स्कूल टीचर होगा। अगर वो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई अदारा है, वहाँ है पेरेंट गार्डियन अवेलेबल नहीं तो जो वो उसका इमीडिएट है वो उसके जान बचाने के लिए माइनर है तो वो उसकी कंसेंट देगा। अगर मेंटल हेल्थ फैसिलिटी है, नॉन कॉम्पसमेंटस बंदा है, वो ट्रेस नहीं हो रहे या बहुत दूर से उन्होंने आना है तो जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी का इंचार्ज है वो उसकी कंसेंट और वो देगा। अब सर उसकी वालदा मौजूद है, आप उसका फादर भी है, मदर भी, अब दोनों में जो उनकी एक वो एक राय नहीं है, वालद करा करवाना, वालदा करे नहीं करवाना, उसमें सर किसको वालद की प्रेफर किया जाए, वालद को प्रेफर किया जाएगा अगर उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है, जो मेरा कंसेप्ट है, गलत हो सकता है क्योंकि वो माँ के पास बच्चा 2 साल तक रहता है ना। नहीं सर, इसमें क्या है, 7 और 14 है, इसमें तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए, आप मेरा ध्यान ले रहे लेकिन मेरा ख्याल है कि नेचुरली फादर है, फादर है। देखें एक कॉमन लॉ है, एक स्टैट्यूट लॉ है। कॉमन लॉ आपका बेस करता है ट्रेडिशंस पे, सोसाइटी की या कोर्ट के वो फैसले जो प्रेसिडेंस बने होते हैं। मिसाल के तौर पे ये हिंदुओं में सती की रस्म है, ये क्या है, ये उनकी ट्रेडिशन है ना जिसके तहत वो उसको करते हैं। या बलूचिस्तान में वो कहते हैं अगर सच्चे हो तो आग पे चल के दिखाओ, तुम्हारे पांव नहीं जलाएगी, ठीक है। तो एक कॉमन लॉ है, अगर आपके पास इसमें कोई स्टैट्यूट लॉ नहीं है, कोई रिटर्न चीज़ नहीं है, तो बैलेंस जो है फादर के हक में जाता है। इसमें अगर मेरे भाई वाली बात कर रही थी, इसमें गुजारिश है कि सर देखना 7 ईयर तक तो बच्चा भी आप वालिद को नहीं हैंडओवर करते, चाहे बेटा ही हो। वो जो 7 ईयर वाली ये बात कर रहे हैं वो PPC 82 है कि 7 ईयर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अब 10 साल हो गई है। वो इजाजत है गाड़ी में, अच्छा हाँ जी, वो 7 से 10 साल हो गई है, 82 में, 83 में 10 से 14 साल हो गई है, और ये उसमें अमेंडमेंट हो चुकी। आपका क्वेश्चन ये है कि ये केस टू केस और जज साहब पर डिपेंड करता है, वो अब्बा जी की बात मानते हैं कि माँ जी की मानते हैं, मैं इसमें क्या जवाब दूँ, मुझे इसमें आप हेल्प आउट करें ना।
नहीं, कंसेंट हमने लेनी है, हमारे पास हमारी जो सोसाइटी है उसके नाम्स ये हैं कि माइनर को माँ नहीं लेके आती, बहुत ही रेयर कोई ऐसा होगा, वालद ही आता है, वही कंसेंट देता है उसकी। ऐसा डिस्प्यूट मैंने कभी देखा नहीं अपने 35 ईयर कैरियर में, या सुना नहीं कि माँ कहती है कि मैंने मेडिकल लीगल नहीं करवाना और बाप कहता है मैंने करवाना है। दिस इज़ एन अजम्पशन बेस्ड सिनेरियो, लेकिन इसका बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी टिल्ट फादर की फेवर में ही जाता है, अपनी सोसाइटी की नाम्स को सामने रख के। लॉ का क्या सेक्शन इन्वॉल्व है वो मुझे आप माफ़ कर दीजिए, वो मेरे इलम में नहीं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आई एम वेरी थैंकफुल दो कि ये नेक्स्ट में होना था। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बुनियादी तौर पर दो किस्म के हैं, एक है फिज़िकल, एक है साइकोलॉजिकल। जो फिज़िकल हैं वो फिर दो किस्म के हैं, एक है मेडिकल, एक है मेडिको लीगल। आपके मुल्क में सिर्फ मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है जो गैर कुदरती मौत पे होता है, जो कि सुसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंटल और डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है। जब अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उसकी कस्टोडियन स्टेट बन जाती है, उसमें किसी की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। वो जो मेडिकल पोस्टमार्टम है वो उन अमवात पे होता है जो हॉस्पिटल में दाखिल है, डेथ हो गई है, दौरान इलाज उसकी तशखीस नहीं हो सकी कि क्या बीमारी थी, तो वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रिलेटिव की कंसेंट के साथ उसका पोस्टमार्टम करके देखना चाहते हैं ये कौन सी बीमारी थी जो हम इसको ढूंढ नहीं सके। एक उसका मकसद ये, वन ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपके मुल्क में अननेचुरल डेथ का पोस्टमार्टम सेक्शन 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या पुलिस रूल के तहत जो हो रहा है उसमें रिलेटिव की कंसेंट की कोई अहमियत नहीं, वो ज़रूरत ही नहीं है। ये कहना, बड़ी माफ़ी के साथ, कि जरदारी साहब ने पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी मोहतरमा के, ये कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर बड़ी आपका सोसाइटी का सेटअप ऐसे है, मसलन मौलाना समी अल हक का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया, पुलिस को करवाना चाहिए था। मुर्तज़ा भुट्टो साहब का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया, करवाना चाहिए था। फिर मैंने इसको जब बार बार पढ़ा तो वहाँ सेक्शन 174 में लिखा हुआ है व्हेन पुलिस इन डाउट रिगार्डिंग काज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम कराए। अगर आप में से कोई ज़्यादा, तो फिर मुझे, फिर मैंने कहा कि अगर ये पुलिस का इसका मतलब है अख्तियार है, अगर उसको कोई डाउट है काज ऑफ डेथ के बारे में तो वो पोस्टमार्टम कराए, अगर डाउट नहीं है तो ना करवाए। हमने तो कफन में लिपटी हुई लाशें हमारे पास आई हैं कि ये इसके बारे में मोहल्लेदारों ने इत्तला की है कि ये डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, पोस्टमार्टम करके वजह मौत से आगाही दें। लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, वहाँ तक गए, उन्होंने कहा ये मेरा अख्तियार ही नहीं, ये पुलिस का अख्तियार है। अभी भी लोग मजिस्ट्रेट साहिबान के पास जाते हैं कि जी हमें इसकी मौत में कोई शक शुबा नहीं, आप बग़ैर पोस्टमार्टम के लाश हमारे हवाले करने के आर्डर करें। वो उस पर सिंपल इतना ही लिखते हैं, प्रोसीड एज पर रूल्स, कभी भी क्लियर कट आर्डर नहीं करते कि ये बग़ैर पोस्टमार्टम के दे दें डेड बॉडी। सर जब सिंगल बुलेट इंजरी से डेथ हुई है तो फिर पुलिस को तो उधर श्योरिटी है ना कि इसी बुलेट की वजह से बंदा मरा इस इंजरी को, हाँ, फिर उसको पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट 100% तो नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने के लिए एक मोटा चाहिए ना, वो डॉक्टर था, पोस्टमार्टम करके वो दसे तो वो अपनी मिसल पूरी करें, ठीक है। पाकिस्तान का ये नौकरी का असूल है यहाँ पर कि कोई गरम गरम आलू आपके हाथ पे रखे तो आप उठा के उसको दूसरे के हाथ पे रख दें, ठीक है ना, वो कर सकता है। लेकिन फ़र्क ये है ना कि श्रीलंका में जब बम ब्लास्ट हुआ तो इंग्लैंड वालों ने अपनी डेड बॉडीज़ की शिनाख्त के लिए अपने पुलिस अफसर भेजे जो इतने ट्रेन थे फ्रेंसिक में भी कि वो आइडेंटिटी कर सकते थे
क्या आपकी पुलिस ये कर सकती है, उसमें इतना हौसला है, उनकी ये ट्रेनिंग है, उनके ये उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। मैं तो सम और अदर हाउ मैं एक मेरे दिमाग के हिस्से में उम्र के इस वक्त मैं चाहता हूँ मेडिको लीगल पोस्टमार्टम का काम ही होम डिपार्टमेंट के जिम्मे लगा दिया जाए, वो अपने डॉक्टर बड़ी करें, हर एसपी के एरिया में एक मॉर्चरी हो, एक मेडिको लीगल क्लिनिक हो, उसके केस वहीं एग्जामिन हो, वहीं गए हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, तो कुंडी लान दे पैसे नहीं है। और दुनिया में बाद ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये काम होम डिपार्टमेंट के अंडर है। मेरे पास मोहतरमा शहीन अतीकुर्रहमान साहबा का ने अम्बर्ड्समैन को एक दरख्वास्त दी कि जो ये रेप केसेस हैं ये पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में है, ये हर डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट या इसको स्कैटर होना चाहिए पंजाब में। मेरे पास कमेंट्स के लिए आया, मैंने उसको यस किया, आर्गूमेंट्स लिख के दिए उनको, मैंने कहा मैं आपको ये भी लिख देता हूँ कि कितनी पॉपुलेशन हो, उसमें कितनी मशीनरी चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी वालों ने इसकी मुखालफत की, वो कहते जी क्वालिटी इफ़ेक्ट होएगी। क्वालिटी क्यों इफ़ेक्ट होगी, वो 15 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहा है, मैं 1.5 लाख रुपया महीना पे काम कर रहा हूँ, क्वालिटी तो इफ़ेक्ट होनी है। बात समझ रहे हैं, ये ज़रूरत है सर। माफ़ कीजिए, आप सवाल करें। वेरी गुड, शुक्र है। देखें ये नाम ही, ये जो फ्रेंडली हैंड फैब्रिकेटेड, ये गलत नाम है। जो बर्नर्ड नाइट की किताब है फॉरेंसिक पैथोलॉजी की, उसमें टर्म लिखी है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड दो तरह की हैं, एक है सुसाइडल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, एक है नॉन सुसाइडल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। जो नॉन सुसाइडल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है उसकी 4 वजूहात हैं। एक तो वो बंदा ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, उसने अपने ऊपर लगा ली ज़रबात। एक किसी दुश्मन को फॉल्स केस में इन्वॉल्व करने के लिए अपने ऊपर लगा ली। एक अपने डिफेंस के तौर पे, ख़ुद वो मुलज़म है मर्डर केस में और उसने अपने ऊपर लगा ली। एक उसने छुट्टी लेने के लिए, ये सिपाहियों के लिए या फौजियों के लिए अपने ऊपर लगा ली कि मुझे छुट्टी मिल जाए। जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान में, वो एक तो है शार्प एज वेपन से, वो नॉन वाइटल पार्ट होगा जिस्म का, रीचेबल होगा, कपड़े इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सुपरफिशियल मल्टीपल पैरेलल सुपर इम्पोज इंजरीज होंगी और उसमें जो है आपको कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जिससे जान को ख़तरा हो, ठीक है जी। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पाकिस्तान में जो हमें सेल्फ इन्फ्लिक्शन मिल रही है, शार्प एज वाला पहचाना जाता है बड़ी जल्दी, वो हैं फ्रैक्चर्स। और वो फ्रैक्चर्स हैं लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर का या फिंगर्स का, एक इंजरी का जिसमें क्रिस्टल क्लियर हिस्ट्री होती है 8-10 बंदों में, एक के हाथ में डांग होती है, एक के हाथ में लोहे की राड होती है, एक के हाथ में बट होता है राइफल का, एक के हाथ में कसी होती है। जब हम उसे कहते हैं कसी से तो शार्प है जाना चाहिए, तो वो फौरन कहता है पुठा पासा सी। अच्छा, तो मैंने कहा भी ये मतलब कि ये सिर्फ यहाँ तो मैं चोट लगी है बस जी, वो मैंने ऐसे किया तो यहाँ पर मेरे सोटा लगा। अब मैं आपको एक ये ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपीरियंस हैं, मैंने मुल्तान में ये केस किया, उसने दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों अपने अपने वकील साहिबान से मिल के बाहर आ रहे हैं कचहरी में। उसने कहा जी मैं मोटरसाइकिल पे खड़ा था तो मैंने मोबाइल कान को लगाया हुआ था तो इसने आके पिस्टल का बट मारा तो मेरी ये वाली उंगली टूट गई लेफ्ट हैंड की। तो मैंने कहा मोबाइल कहाँ लगाया था, उसने कहा जी दाएं कान पे लगाया। तो मैंने कहा बाएं कान को क्यों नहीं लगाया या दाएं हाथ से मोबाइल क्यों नहीं पकड़ा, उन्होंने कहा जी और ना मोटरसाइकिल का हैंडल फड़े है। अच्छा, मैंने कहा ये बट लगाया तुम्हें पिस्टल का, तो बट तो इन्ना बरीक नहीं होंगे कि तेरी सिर्फ है वाली उंगली तोड़े, उन्होंने कहा जी मैं उंगलियाँ जी फैला के रखी हैं। देखें ये तकनीक है,
ठीक है, मैंने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट किया। मैंने कहा जो ये बता रहा है और जो उसकी इंजरी है दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद कि ये उस लड़ाई में, इसमें इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन यस है। हमारे पास आते हैं मोस्ट कॉमन तीन चीज़ें, हाथों की ये उंगलियों के फ्रैक्चर अमूमन लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड को वो ज़रा अवॉइड करते हैं, अंगूठे को अवॉइड करते हैं ज़रा, नाक के फ्रैक्चर और ये अल्ना का ये वाला फ्रैक्चर। उंगली वाला तो जो मैंने अपने तौर पे तफ्तीश करने की शुरू की है, वो कहते हैं वो पेप्सी या सेवन अप की बोतल में रख के ना, वो कि तकनीक है कि बंदा लग जाए तो मन भी मलवाना, मैं उसका इंटरव्यू कराऊंगा। हाँ ऐसे मोड़ते हैं। जो नाक वाला है यहाँ पर बहुत मोटा सा कपड़ा रजाई रख के ना, पलास रख के तो इस तरह करके इनू तोड़ देने। ये वाली अब मेरी मेरे इलम के मुताबिक जितना मेरा नाकस इलम है, ये एक किस्म की एक्सपोज बोन है, ठीक है, यहाँ पर सोटी लगे तो जिल्द को फटना चाहिए। मैंने आज तक इस अल्ना बोन के फ्रैक्चर में जिल्द का फटा हुआ नहीं देखा। मुझे ये साइंस समझ नहीं आती कि बगैर जिल्द के देखे ना बंदे के, देखो जी वो माइक टायसन मुक्का मारता है यहाँ पे तो वो ग्लव्स पहने होते हैं तो ये फट जाती है स्किन, नीचे हड्डी है ना, उन इतने सोटा लगाया है जिसने हड्डी तोड़ दी है लेकिन उसने मसल और स्किन को कुछ भी नहीं कहा। ये मेरे लिए बड़ी, और फिर वो जो हड्डी टूटी है ना वो बात उकात ऐसे होता है जैसे फुटा रख के एक लाइन में तोड़ी गई, बिल्कुल सीधा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो बड़ी कैलकुलेटेड मूव लगती है, 6 मिलियन बियोनिक सोटा लगता है वो जड़ा, वो इतनी फोर्स के साथ लगता है। लेकिन आपका आई एम हैप्पी। ये एक्चुअली जो मेरा जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आप जितने सवाल करेंगे उतना ही बेहतर है सर। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये इतना अच्छा सवाल है, एक तो आपकी मेहरबानी है, जरा हुन मोदी नू दफना दियो। हाँ वो अजे तक मतलब के उसकी जो किताब थी वो ओरिजिनल मेरे पास है। मेरे हमसाए थे, एक रिश्तेदार भी थे, वो मेरे पैदा होने से पहले वो कोई डॉक्टर बन के अमेरिका चले गए। तो जब मैं डॉक्टरी, मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करता था छोटे में, तो जब मैं डॉक्टर बना तो वो बाजी ने मुझे कहा ये भाई की किताबें हैं, वो के ई में पढ़ते थे तो उसमें मोदी की किताब थी, ओरिजिनल तस्वीरें, वो ठीक है। पारेख की किताब सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन उनके और हमारे कानून में फ़र्क आ चुका है और काफ़ी फ़र्क है। पारेख PARIKH, मैं इंडियन बुक रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसकी अंग्रेज़ी बड़ी आसान है, हाँ सस्ती भी है ये भी। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो प्रोफेसर नसीब आर अवान साहब की किताब है, जो फॉरेंसिक मेडिसिन के पाकिस्तान में पाइनियर हैं, ये जो KE का डिपार्टमेंट है उनका बनाया हुआ है। इस हैं नहीं 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 ज़ुबैर बुक डिपू नारकली, हाँ तो वो डिपार्टमेंट का तो नहीं है, और मैडम सामने तो पूरा नारकली है, डिपार्टमेंट है सामने, बानो बाजार भी है। नहीं ये पाक बुक कॉरपोरेशन से नहीं मिलती, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, प्रोफेसर नसीब आरवान साहब। वैसे ये मैं मेरे पास आजकल काफ़ी मेरे पास मैं 25-30 किताबें हैं जिनकी सॉफ्ट कॉपियाँ मेरे लैपटॉप में हैं। अब उसमें कीथ सिम्पसन की किताब है, कीथ सिम्पसन की हैं, हमें प्रोफेसर से ये डिपार्टमेंट बनने की हिस्ट्री चौधरी जहूर अलाई साहब का मर्डर है। जब चौधरी जहूर अलाई साहब मर्डर हुए थे तो उनकी डेड बॉडी तकरीबन 6 आवर्स तक फुटपाथ पे यहाँ रही थी,
और पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट नहीं था फॉरेंसिक मेडिसिन का। प्रोफेसर साहब उस वक़्त इंग्लैंड से डिप्लोमा इन मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस करके आए थे, कई ग्रेजुएट थे और वाहद फॉरेंसिक मेडिसिन के क्वालिफाइड बंदे थे। ज़ियाउल हक़ साहब का दौर था मेरा ख्याल है। तो ये जहाँ पर आज ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर लोग कूड़ा फेंका करते थे। ये इन्होंने ये जगह प्रिंसिपल साहब से ली, ख़ुद नक्शा बनवाया, ख़ुद इसको तमीर कराया, जो लेटेस्ट पर्पस बिल्ट बिल्डिंग का क्राइटेरिया है उसकी बुनियाद के ऊपर वो बना गए। वो अल्लाह करे मेंटेन रह जाए उसमें। जो है अब तो वक़्त और ज़्यादा तरक्की कर गया है। इस किस्म का डिपार्टमेंट मिनिमम हर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में या कॉलेज में और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत हैं दो किताबें। ना किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट पे सवाल पूछा है, ये ज़रूर पूछे है कि डिपार्टमेंट के सामने बानो बाजार है। हाँ लेकिन वूंड सिर्फ लैसरेटेड हैं और एब्रेशंस हैं, इनसाइज्ड वूंड कोई नहीं है, तो इससे क्या जो कुल्हाड़ी है वो बिल्कुल निकल जाती है? निकल तो जाती है, लेकिन वो जिन सट लगी वो कहता है कुल्हाड़ी का पुठा पासा मारे वहां से फिर लैसरेशन नहीं निकलती। इंजरी में कि डेथ में? डेथ वाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब करेंगे उस वक्त ना कर लें। देख इंजरी देखें, फायर आर्म जो सुसाइडल होमिसाइडल दो मेन हैं इसमें, एक है कट थ्रोट और एक है फायर आर्म, ठीक है जी। कट थ्रोट लाहौर की हिस्ट्री का एक बड़ा मशहूर केस है, समीना कत्ल केस, अगर आप में से किसी ने सुना है या कोई सीनियर बंदा है। उस वक्त मैं FSC में था या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, वो पोस्टमार्टम किया था नियाज बलोच साहब ने, उसी हवाले से बताता हूँ, जो रिटायर्ड हो चुके हैं बाद में मुल्तान में, प्रोफेसर नसीब आरवान साहब के पहले शागिर्दों में से थे, हमारे भी सीनियर हैं, उनसे सीखा भी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समीना कत्ल केस, पहले मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ कि वो शादी हुई तो वलीमे वाले दिन दूल्हा जाता है अपने ससुराल में, वहाँ वो उसने अपनी गर्दन पे वो रेज़र कर लिया, गर्दन काट ली अपनी, यानी लड़के की दूल्हे की डेथ अपनी ससुराल में हुई लड़की वालों के घर। लड़की वालों ने कहा जी कि बड़ी माफ़ी के साथ ख़वातीन से कि ही वॉज नॉट पोटेंट एंड अंडर स्ट्रेस, तो इसलिए इसने सुसाइड की है। लड़के वालों ने कहा जी लड़की अपनी किसी कज़न के साथ इन्वॉल्व थी, तो इन्होंने मिल के उसको मर्डर किया। अब ये केस हो गया कट थ्रोट का। कट थ्रोट है इन साइज वूंड बट इट इज़ ए सेपरेट एंटिटी। इसमें फ़र्क करना है, अब सुसाइड है कि होमिसाइडल, ठीक है जी। जो सुसाइडल कट होगा वो अमूमी तौर पे सिंगल होगा। अगर राइट हैंडेड बंदा है तो लेफ्ट साइड से शुरू होगा, राइट साइड पे टेलिंग होगी, टेपरिंग होगी, ठीक है, सुपरफिशियल होता जाएगा। कोई हेसिटेशनल कट एक दो सुपरफिशियल हो सकते हैं जिनको टेंटेटिव कट कहते हैं। जिस्म पे और कोई ज़र्ब का निशान नहीं होगा, कोई डिफेंस वूंड नहीं होंगे, ठीक है। कमरे में कोई स्कफल नहीं होगी। हो सकता है जिसने प्लान किया है उसने कोई सुसाइडल नोट अपनी लिखाई में लिखा हो, या कोई डाइजीपाम की गोलियां पड़ी हों, या कोई उसकी स्ट्रेस की हिस्ट्री हो, कोई फाइनेंशियल लॉस की, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम की। तो ये जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना है उसमें एक पैरामीटर तो वूंड कम्प्लेक्स है, दो और हैं, एक सीन का मुआयना और एक वेपन। सुसाइड में वेपन उसके हाथ में होना चाहिए। हमारे माशरे में अमूमन रिश्तेदार उसको गायब कर देते हैं सुसाइड के स्टिग्मा से बचने के लिए, कि ये एक दाग लग जाएगा कि इन्होंने इनकी सेट में। जो होमिसाइडल कट थ्रोट है वो मल्टीपल कट होंगे, सारे ही फेटल होंगे, कोई टेंटेटिव हेसिटेशनल कट नहीं होगा,
कोई टेलिंग या टेपरिंग फिनोमेना नहीं होगा। जिस्म पे डिफेंस वूंड्स भी होंगे, सीन पे भी स्कफल के कोई मेज़ कुर्सियाँ उल्टी होंगी, कोई डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो ये तो उसके आगे फायर आर्म के हवाले से, जो राइट हैंडेड बंदा है, हमें कॉन्टैक्ट फायर मिला है और राइट साइड पे ही उसकी अलेक्ट जो शार्प एज वेपन से सुसाइड करने की जगह है ना, वो कट थ्रोट है, रिस्ट का काटना है, या जापानीज़ वो हाराकारी जो करते हैं कि जो वो नीचे से ऊपर को डायरेक्शन होती, जो होमिसाइडल है उसकी ऊपर से नीचे डायरेक्शन होती, ठीक है जी। जो फायर आर्म है उसकी भी तीन जगह हैं सुसाइड की इलेक्टिव, साइड ऑफ द टेंपल, फ्रंट ऑफ द टेंपल, इनसाइड द माउथ, फ्रंट ऑफ द चेस्ट। उसमें भी हमें सिंगल इंजरी मिलती है अमूमी, कंटैक्ट फायर मिलता है, राइट हैंडेड बंदा है तो राइट साइड पे कंटैक्ट फायर में सारी ब्लैकनिंग टैटूइंग जो कुछ है वूंड के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। वेपन उसके हाथ में होना चाहिए या उसके साथ होना चाहिए। जगह बड़ी कूल एंड काम होती है, दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, कमरे में और किसी के जाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। हो सकता है कोई सुसाइडल नोट भी हो, कोई स्ट्रेस की हिस्ट्री भी हो। ये पैरामीटर्स होते हैं। डॉक्टर जो है उसने वूंड कम्प्लेक्स की डिस्क्रिप्शन उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो जब बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करना है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीन, क्राइम सीन और गवाहों के बयानात और वूंड कम्प्लेक्स की रोशनी में ये फैसला कर सके कि ये सुसाइडल है कि होमिसाइडल है। ये सबसे मुश्किल केस है, बंदा गोलियां खा के मर गया या मेडिकल लीगल के लिए आ गया, पॉइजनिंग निकल भी आई, हमने पॉइजनिंग दे भी दी, वजह मौत भी दे दी। पॉइजनिंग को साबित करने के लिए तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहिए ना, पॉइजन कहां से ख़रीदा, कितने बजे ख़रीदा, किससे ख़रीदा, किसको दिया, किसने खाने में मिलाया, किस तरीके से दिया, और बंदा वो पॉइजन लेने से पहले तो उसको कोई वॉमिटिंग डायरिया तो नहीं था, कोई कोई और तो वजह नहीं थी, ठीक है कि नहीं। पॉइजनिंग को वजह मौत देना या मेडिकल लीगल केस में पॉइजनिंग काइंड ऑफ वेपन की जगह लिखना आसान है, लेकिन पॉइजनिंग को कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना वो आपका काम है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मेहनत है। ये सारी जो चेन है ये तो उसने इस्टेब्लिश करनी है ना। पॉइजनिंग वाले केस में फॉर्म बे के साथ फॉर्म जीम लगाना होता है पुलिस वाले ने, डेथ इन्वेस्टिगेशन में सी फॉर्म भी जिसे आप कहते हैं जी। कौन से डोमेस्टिक वायलेंस में? हाँ देखें, ये भी इसमें भी हमें पहले जो डॉक्टर साहब हैं और आप लोगों को मोटा मोटा फ्लेम बर्न और वेट बर्न में फ़र्क पता होना चाहिए। जो शोले से जलेगा उसमें ब्लिस्टर नहीं बनते, छाले नहीं बनते। जो गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म पानी गिरेगा उसमें एक तो कपड़े नहीं जलेंगे, कपड़ों की स्टेनिंग होगी, बाल नहीं जलेंगे, बाल मैटेड होंगे जो, और छाले पड़ेंगे जिस्म पे। जो फ्लेम है कपड़ों को भी जलाएगा, बालों को भी जलाएगा, जिस्म को भी जलाएगा, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसमें वूंड कम्प्लेक्स वो शोले से जला है या गर्म कढ़ाई में किसी को फेंका है या वो गिर गया है गर्म पानी की या तेल की कढ़ाई में, डॉक्टर साहब ने तो वो इंजरी बतानी है ना। जो मैनर हैं, मैनर इसमें फैब्रिकेशन तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि फैब्रिकेशन करने वाला वो रास्ता अख्तियार करता है जिसमें दर्द ना हो, जो आसान हो, चीप हो। सुसाइडल पॉइजनिंग की अगर आप मुझसे पूछें कि सुसाइडल पॉइजनिंग में वो ऐसी मौत पसंद करता है जो कम अजियतनाक हो, पॉइजन बहुत सस्ता हो, बड़ी आसानी से अवेलेबल हो, बड़ी जल्दी मौत हो जाए, कोई अजियतनाक इस तरह का वो काम ना हो, जैसे चूहे मार गोलियां,
जैसे ये गंदम में रखने वाली, या काला पत्थर है आजकल साउथ पंजाब में बालों को रंगने वाली जो दवाई है, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे हमने लोगों को तेजाब पी के भी खुदकुशी की कोशिश करते हुए देखा। अब वो इतनी अजियतनाक दर्द वाली है, मैं मुझे याद है हमारे बचपन लोग अपने आप को जला के भी खुदकुशी करते हैं, वो इतना पेनफुल काम है कि पता नहीं किस मेंटल स्ट्रेस में होते हैं। वैसे खुदकुशी करने के तरीके ख्वातीन में दो पसंदीदा हैं, एक हैंग करके और एक डूबने वाला, जहर के जहर वाला तो खाना अलहदा है ना, मैकेनिकल के हवाले से कह रहा हूँ। मर्दों में वो पिस्टल वाला है, वो हैंग करने वाला किसी हद तक है, डूबने वाला मर्दों में कम ही होता है, वो कम ही डूबते हैं। सर रेप केस से दो जब मैक्सिस होते हैं तब क्यों नहीं हो सकता रेप विक्टिम का, एक सवाल ये मेडिकल, ये किसने कहा नहीं हो सकता? सर पिछली दफा हमारे केस में हुआ है, क्या इनकार कर दिया? देखें मैं मुझे डर भी बड़ा लगता है, मैं बड़ा मारा गया कि फैसला तो आ गया हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी कि टू फिंगर टेस्ट नहीं करना। मेरे पास पांच ऐसे केसेस हैं जिसमें मेरी लेडी डॉक्टर्स को, मेरी तो बेटियों की तरह ही हैं, जिनको छोटी अदालतों में जज साहब ने बुला के कहा है कि आप इसमें हमें ये लिख के दें कुछ ना कुछ, हम सजा कैसे दें, मैं क्या करूँ। अब आप कह रहे हैं कि आपके पास केस ऐसा आया है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड वो क्या है कि मुआयना नहीं हो सकता, रिकवर हुई जब 5 दिन बाद रिकवर हुई, उसका रेप होता था 3 या 1 दिन जो भी, जब वो मेडिकल के लिए हमें इजाजत नहीं मैजिस्ट्रेट से जब वो गई तो तब उसको मेंसेस आ, हाँ पहला दिन था, हाँ तो वो डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं कर सकता जब तक मेंसेस नहीं खत्म हो गया। बस वो डॉक्टर 9वीं पास 10वीं फेल है ना, माजरत के साथ करना चाहिए। यही तो मैं बेटी, मेरा भी तो यही दुख है कि ये नेगलेक्टेड फील्ड है, इसमें लोग विलिंग वर्कर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ख्वारी ज़्यादा है। एक केस में 8-8 दफ़ा एविडेंस मैंने समन भुगते हुए हैं, वारंट गिरफ्तारी भी निकल आते हैं। वो डॉक्टर लाहौर में होता है छुट्टी लेके, वो तो घर वाले कहते हैं वो तो अमरीका गया है। देखें आपका केस ख़राब हुआ, इसका मुझे तकलीफ़ है, किसी को इंसाफ नहीं मिला, बट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कैन नॉट प्रीक्लूड अ लेडी डॉक्टर के वो एग्जामिनेशन ना करें, वो लिखे ना उसमें, ये हिस्ट्री लेनी होती है, लिखना होता है, इसको करना होता है, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा रेप केस है, 7 पेट में गोली लगी है, तो उसका मुआयना नहीं होगा? रेप मर्डर तो बहुत कॉमन है यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर सर आजकल भी जो फेक है रेप वाले में, मैंने खुद होते हुए देखा है कि क्या नाम है वो फेक जो कहते हैं कि शादीशुदा लड़की को वो डाल देते हैं और बाद में कह देंगे कॉन्डम के साथ हो रहा था। अब ये कैसे पता चलेगा कि शादीशुदा लड़की है, उसके साथ उसका हस्बैंड यानी कंसेंट के साथ अगर कर रहे हैं? एक तो ये आप मुझे मेरे साथ ये एक टाइम रख लें, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैडम आयशा मलिक साहिबा का और मंसूर अली शाह साहब के फैसले की डिटेल पढ़ें, ये सवाल बेहतर है कि आप उनसे पूछें। देखें मेरी बात सुने, सवाल आप मैरिड हैं, इवन मैं फिर बड़ी माफ़ी के साथ जो ये हमारी फीमेल्स बैठी हुई हैं प्रोफेशनल भी है, रेप की उसके विदाउट कंसेंट वो रेप है, ठीक है ना। हमने जो मुआयना करना है वो करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू डैट डेट एंड टाइम वहाँ पर कंसिस्टेंट विद डैट इंजरीज हैं कि नहीं, अगर हैं तो उसको डॉक्यूमेंट करना है और उसके स्वैब लेने,
हमारा ये काम है, हमारा से मरा लेडी डॉक्टर का। मैं आपको, मैं किसको अपना सीना चीर के दिखाऊं? मेरे पास चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमेटी ने एक बंदा केस भेजा जिसमें पीएफएसए ने 6 साल का बच्चा विक्रम था सौडमी का, उसका अपना सीमन निकाल के रिपोर्ट दे दी। जब मैंने उसको कंटेस्ट किया, हाईलाइट किया, तो वो जो मेंबर थे वो कहने लगे डॉक्टर साहब उन्होंने बढ़िया माफियां मांग लिया, ने बस करो। लेकिन नतीजा क्या निकला, मैं उस वक़्त से उनकी मुखालफत भुगत रहा हूँ। दे हैव द डायरेक्ट अप्रोच विद द अथॉरिटी, मेरी अप्रोच तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेक्रेटरी तक है ना, ऐसे भी हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए असर की नमाज कट है कि मेरे पास एक केस आया सियालकोट के किसी एरिए का, थर्ड लेवल पे। उसने कहा जी मैं जंगल से आ रहा था, मैं पता नहीं दूध दे के, मुझे रास्ते में रोका तो उन्होंने कोई हमारा झगड़ा, वो पता नहीं उन्होंने सामने मेरे फायर किया। तो फायर कहाँ लगा जी? टांग पे लगा, कपड़ों पे जो होल हैं वो उससे कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जो इंजरीज हैं टांग पे। मैंने उसके कपड़े भेजे जो कि पहले दो एग्जामिनर्स ने नहीं भेजे थे, पीएफएसए गन शॉट रेजिडिव और गन पाउडर डिटेक्शन के लिए। उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैंने कपड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है तो मुझे इसमें सुराख नज़र आए हैं, 4 सुराख मैंने, 2 सुराख मैंने एनसर्कल करके अपने साइन करके भेजे जो 2 नज़र आ रहे थे एंटी एग्जिट के। उसने कहा मैंने दूरबीन के नीचे कपड़े रखे, मुझे बताएं दूरबीन के नीचे कोई भी कपड़ा रखें उसमें सुराख नज़र नहीं आएंगे। उसने कहा जी 6 सुराख हैं जिनमें से एक पे मैंने केमिकल टेस्ट किया है, उसमें गन शॉट पार्टिकल हैं। अच्छा मैंने उसको 4 खत लिखे कि वो कौन सा केमिकल टेस्ट है, वो कौन से पार्टिकल हैं, मेरी तो ये फाइंडिंग है। उसने मुझे एक दफ़ा जवाब दिया कि मुझसे मेरी रिपोर्ट पे सवाल अथॉरिटी पूछ सकती है, कोर्ट पूछ सकता है या कोई ट्रिब्यूनल। तो मैंने कहा मैं अथॉरिटी हूँ, आई एम सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब, मैं मुझे ये जवाब दो। उसने जब नहीं जवाब दिया तो मैंने उसको फैक्टिशियस दे दिया उस मेडिकल लीगल को। मैं कन्विंस नहीं था, लूप होल्स हर जगह हैं, ठीक है। आपका ये जो केस है, लेडी डॉक्टर साहबा ने ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर उनके पास कोर्ट ऑर्डर पहुंच गए थे या पुलिस तकट पहुंच गया था, उसका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन नहीं किया तो इट इज़ ए मैटर ऑफ मिसकंडक्ट, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन कोई उसकी भी विपता सुन ले। ना सिर्फ होनी चाहिए, ये भी एक प्रोविजन है कि वो उसके घर जाके रिश्तेदारों की मौजूदगी में वो करे तफ्तीश। सलमान अकरम राजा वाली जजमेंट में जो एसओपी है, हाँ नहीं आप 164A देख लेना, उसमें वो लिखा तो लिखा हुआ, देखें जो लिखा हुआ कानून है वो तो है, इम्प्लीमेंट किसने करना, ये तो कानून है ना, ये तो कानून है। वो तो हदीसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मिलावट करने वाला हमसे नहीं, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है, सानू वो दी परवाह नहीं। ये जो मेडिकल लीगल एक्ट बन रहा है ना, मुझे सेक्रेटरी ला साहब ने कहा कि 15 दिन का टाइम दे देते हैं कि 15 दिन में रिपोर्ट ज़्यादा इशू हो। मैंने कहा सर इंजरी ज़ेरे मुशाहदा रखी है, उसकी अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन कोई रिपोर्ट आएगी तो वो डिक्लेयर करेगा, ये ग्राउंड रियलिटी है, ये आप मुझसे पूछें, ये टाइम आप मेरी दरख्वास्त है 1 महीना कर दें। उन्होंने आगे से जवाब दिया पुलिस ने 14 दिन में चलान पेश करना होता है, वो 14 साल नहीं करती, उसका किसी ने क्या कर लिया, तो डॉक्टर साहब जान दो, डॉक्टर साहब वहाँ क्या करें। लेकिन वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं। मैं यहाँ डॉक्टरों को डिफेंड करने नहीं आया, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ कि आप उनको ह्यूमन बींग समझें, गलतियाँ होती हैं बहुत सारी। तीन ही एलिमेंट हैं, इनकम्पिटेंसी, इनएफिशिएंसी, डिसऑनेस्टी। लेकिन इसके पीछे आप देखें कि हमें चाहिए क्या,
हमें कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए काम करने वाले की, पर्पस बिल्ट बिल्डिंग चाहिए जहाँ काम करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। लॉजिस्टिक सपोर्ट में वो एनवेलप भी हैं जिसमें खत डाल के ऊपर टेप लगा के सील करके देना है, अगर वो भी ना अवेलेबल हो तो मैं किन्ने का अपनी तनख्वाह तो लेके दे देंगा। यस सर, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि वेदर एनी इंजरी इज इंफ्लिक्टेड बाय अ फ्रेंडली हैंड और नॉट? आपके आने से सर जी कुछ मामलात में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कुछ इंजरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स ऐसे होते हैं, हर मामले में नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको फायरआर्म सुसाइड वाला वाक्या बताया था ना, पॉलसन की एक किताब है फॉरेंसिक मेडिसिन की, उसमें लिखा हुआ है कि उसने सुसाइड इस तरीके से की, उसने पीछे दरख्त के साथ वेपन को इस तरीके से बांधा फायरआर्म को, और उसके ट्रिगर के साथ इस तरह की रस्सी सी बांधी कि उसके आगे खड़े होके मुंह उल्टी तरफ उसने वो रस्सी खींची, वो ट्रिगर चला तो उसको पीछे गोली लगी सर पे, और सर पे पीछे गोली डिस्टेंट फायर मेरे पास आई, तो मैं तो कभी भी नहीं कह सकता ये सुसाइड है जब तक वो सीन ना जाके देखा जाए। सीन देखने लिए अंग्रेज़ बनना पड़ेगा, ओह जी फैसिलिटीज़, ओह जी ट्रेनिंग, ओह जे वसाइल, वो काम करना पड़ेगा। सर, सुसाइड हो बाय हैंगिंग वर्सेस होमसाइड बाय हैंगिंग, कैन इट बी डिफरेंशिएटेड? यस यस, क्योंकि होमसाइड बाय हैंगिंग पहले देखें, उन्होंने जिंदा बंदे को पकड़ के हैंग किया है कि डेड बॉडी को हैंग किया, पहले मार दिया ठीक है कुछ खिला के, फिर उसको लटका दिया कि ये सुसाइड हो, ठीक है। उसमें पोस्टमार्टम करने वाले को पहचान होनी चाहिए, वो देखे कि ये कबल अज मर का निशान है कि बाद अज मर का है, अगर नहीं पहचान में आ रहा तो इतना हिस्सा काट के लेबॉरेटरी में भिजवाए, वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। फिर जिन्होंने पहले फिजिकल असाल्ट किया है फिर लटकाया है तो उसके ऊपर कोई जरबात होंगी, ठीक है जी। और अगर वैसे तो किसी जीते जागते जिंदा कमज़ोर बंदे को भी पकड़ के लटकाना इतना आसान नहीं है, ज़ाहर है, इसलिए हैंगिंग वाला केस हो, कट थ्रोट का हो, ड्राउनिंग का हो, इलेक्ट्रोक्यूशन का हो, या बॉडी पुट्रीफाई हो जाए, तो जहर खुर्दनी के लिए मवाद लाजमी भेजना चाहिए। दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। दैट हाइड बोन कंसेप्ट इज द रॉन्ग कंसेप्ट। आखिरी सर ये हाइड बोन वाला मैं जरा सर, आप इसी बहाने आप हमारे जो पोस्टमार्टम वाले होंगे उसके ऊपर आएंगे। हाँ देखें, हाइड बोन 40 साल की उम्र में ऑसिफाई होती है, ये जेन में रखें, तकरीबन 40 साल से पहले वो इलास्टिक होती है, उसमें लचक होती है, 40 साल से पहले उसके टूटने के चांसेस कम हैं, अगर वो टूटती है सबसे ज़्यादा तो वो थ्रॉटलिंग में टूटेगी जब हाथों से गला दबाया जाता है, या कोई दूसरा बंदा गर्दन में रस्सी डाल के खींचे, सबसे आखिरी और कम तर टूटने का अगर चांस है तो वो हैंगिंग में है, और वो भी अगर चांस तब बनता है जब उम्र 40 साल से ज़्यादा हो। ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? आ गई है। हाइड बोन पे सारे कंसंट्रेट करते हैं, जो सांस वाली नाली है जिसको लेरंक्स कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, जो नर्करा है वो उससे ज़्यादा टूटता है, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं करता, वो कराटे से भी टूट जाता है। हाइड बोन फ्रैक्चर ऑनली इंडिकेट that there is interference with respiration at the level of neck that lead to death, it does not indicate that it is a homicide or suicide, am I right? वो मन पेश करो ना सर, हाँ अपना नाम ही दसो, हाँ मुझे बताएं ना। देखें, वी आर नोवाइस रिगार्डिंग द जो लॉ है, जो LLB का कोर्स है, जो सिलेबस है,
जो जजेस की है. सिमिलरली दे आर नॉट अ मेडिकल मैन. ठीक है ना. अब आपका आखिरी सवाल. सर इस स्टोरी ऑफ द एफआईआर रेट्स के ब्लंट मीम से नेजल फ्रैक्चर हुआ है और एमएलसी पे लिखा था, वहां लिखा है कि डंडा लगा और एमएलसी पे लिखा है कि डंडा नहीं लगा था, हेलमेट लगा था. इज दिस अ सफिशिएंट कॉज टू डिक्लेयर दैट इंजरी कॉज्ड बाय अ फ्रेंडली. आई हैव नेवर सीन एन ए मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जिसमें हेलमेट लिखा हो. वेपन या ब्लंट लिखते हैं या शार्प एज लिखते हैं. स्पेसिफाई कभी भी किसी ने नहीं किया. बट इन वन ऑफ द केसेस व्हिच आई एम कंटेस्टिंग. मुझे वो केस दिखा दें. हम ये बाद डिस्कशंस ऐसी हैं जो केस टू केस हैं, बात क्लास के लिए हैं. ठीक है. जरा डॉक्टर हेलमेट लिख सकता है, मैं जाके उदे सिर ते पगड़ी बनांगा, उन्हें मिठाई का टोकरा बनाऊंगा, उदा मरीद होवांगा, उदा शागिर्द बनांगा. हाँ. अगर वो असूली तौर पर वो हेलमेट नू उहदे नक उत्ते रंग छड़ना चाहिए. आपकी अटेंडेंस से और आप तमाम दोस्तों की हाजिरी और जितनी अटेंशन से आप ये सारे का सारा मामला सुन रहे थे, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. दो चीज़ें आपके सामने हैं लेक्चर्स के लिए जो हम आप एक तो नॉलेज बेस होती ही है जो चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हैं, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल को भी हम आपके ला के सामने खड़ा करते हैं. और आपने तमाम दोस्तों ने ये देखा होगा कि डॉक्टर साहब दिल से बात करते हैं, दिल लगा कर काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और इसको इस प्रोफेशन को जो उसका हक है उसको उस तरीके से अदा करते हैं. एक एक चूँकि वकीलों के साथ तो हम इतना नहीं करते, लेकिन चूंकि दो डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त निकाल के लाए, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सारे तालियां तो डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब हमारे लिए बहुत बड़ा एक इसको कहते हैं ऑनर है कि आपने वक्त निकाला, आप हमारे पास आए. बार काउंसिल की तरफ तमाम दोस्तों की तरफ से ये एक हमारा छोटा साइन ऑफ अप्रिसिएशन है आपको. हम बदस्तूर तंग करते रहेंगे हमने हमसे, और हमारे लिए हम किसी बंदे को सबसे बड़ा तमगा ये दे सकते हैं कि वकील समझते हैं कि वो अकेले कोले लग, लेकिन अगर किसी को बुलवा कर और अगर उनको वो ये अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि आपके सीखने के लिए इतने ज़्यादा तादाद में बैठे हैं, तो फिर तो आप बहुत ही ग्रेट हैं. आई एम ग्रेटफुल सर. आपको पोस्ट मॉडर्न शॉक से हैं सर. जी बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर साहब ने मुझे अप्रोच किया था और हमारे लिए ऑनर है कि डॉक्टर साहब अपना वक्त दे रहे हैं. डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम के ऊपर हम आपको तंग करेंगे और जल्दी तंग करेंगे आपकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात. जल्दी तंग कर लें क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे उस सीट पर नहीं देखना चाहते.